मल्हार राव जी होलकर उज्जैन से महाद जी का लश्कर देखकर लौटते हैं और अहिल्या बाई को उसके बारे में बतलाते हैं। उधर नए पेशवा की तख्त नशीनी के मौके पर महाद जी के दूत अंबाजी इंगले नजराने और बधाई पेश करते हैं, जिसे राघोबा ये कहते हुए कबूल करने से इनकार कर देते हैं कि महाद जी अब सूबेदार नहीं है। राघोबा महाद जी की सूबेदारी रुकवाने के प्रयास में फड़के को जानको जी के जिंदा होने की अफवाह फैलाने को कहते हैं। तभी विसाजी माने, जो कि जानको जी के कारकुन थे, फड़के से ये कहते हैं कि जानको जी की सिर्फ अफवाह ही नहीं फैलाई जा सकती, बल्कि उन्हें जिंदा भी पेश किया जा सकता है, और वो उन्हें एक ऐसा आदमी दिखलाता है जो हूबहू जानको जी की शक्ल का होता है। पुणे की अंदरूनी राजनीति का फायदा उठाकर हैदराबाद का निजाम अपनी पूरी फौज के साथ पुणे की ओर चल पड़ता है, जिसे रोकने की जिम्मेदारी माधवराव अपने काका राघोबा को सौंपते हैं। दूसरी तरफ उज्जैन से महाद जी और इंदौर से होलकर एक बार फिर से अपने बलबूते पर चौथ वसूल करने निकल पड़ते हैं। उधर विसाजी माने थोराट को जानको जी के तौर तरीके सिखाने में व्यस्त हो जाता है। ये उज्जैन है और वो राणोजी सिंधिया की हवेली। जब उज्जैन बाजीराव ने इन्हें दिया, तब उन्होंने इसे बनवाया। जानको जी और महाद जी यहीं पर बड़े हुए हैं और महाद जी अपनी मां और अपनी पत्नी के साथ यहीं रहते हैं। उज्जैन दिखा दिया तुम्हें, अब उनके पुश्तैनी गांव श्री गोंदा के बारे में, उनकी हवेली, पग, बाड़े, मंदिर सब याद है ना? बरोबर। सुन लो, खांडोबा कुल देवता, गांव के पास गौर नदी, जिसे बरसात में इमली के पेड़ के पास से पार किया जा सकता है। बराबर। हवेली, जिसे तहस नहस किया निजाम हैदराबाद ने, उज्जैन के मंदिर का दरवाजा लाने की कसम खिलाई जानोजी सिंधिया ने। वाह। अब और कुछ या वो मैं थोड़ा हल्का हुआ हूँ? अब देखो, ये मत कहना कि जानको जी पेड़ के पीछे ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि मैं जानको जी नहीं हूं, मैं ऐसा ही करता हूं। बहुत कुछ जान लिया है तुमने, लेकिन कुछ नहीं जाना। वहां दरबार में लोग खोज खोज कर तुमसे सवाल पूछेंगे, वहां तुम्हारी ये तेज तरारी, ये मस्खरे धरी रह जाएगी, मुंह के बल गिरोगे। मैं क्यों गिरूंगा, तुम गिरोगे। बता तुम रहे हो, जो नहीं बताओगे मैं कहां से बताऊंगा, या गलत बताऊं तो तुम बता देना। कह दूंगा, ये मेरे कारकुन से पूछो, उससे ज्यादा ये जानता है। कभी कभी तेरी ये हरकतें देखकर जी चाहता है ये काम तू नहीं मैं करता, मगर मेरे कंधे पर तेरी वाली मुंडी नहीं। बरोबर। ऐसा करते हैं कि शिवजी महाराज को बुला लेते हैं, तुम अपने बाएं हाथ पे मिट्टी का शिवलिंग बना लेना और उनसे कहना कि हाथी का सिर काट के जैसे गणेश जी बनाए, वैसे मेरा सिर काट के तुम्हें जानको जी बना दें। फिर देखना, तिकली का नाच नचाऊंगा जैसे तूने मुझे नचाया। कंधा खोलो। क्यों? कंधा खोलो, घाव बनाना है। जानको जी की यहाँ घाव था, तुम्हारे बनाना है लोगों को दिखाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे हाथ में एक बैल ने सिर मारा था, उसका निशान है, उससे काम चल जाएगा। मारा जाएगा, मरवाएगा, इसी जबान की वजह से आज कह देता हूं।
ये क्या है? श्रीमंत, आपके एक जासूस ने भेजी है। जानको जी जिंदा है? बकवास, उसका सर फिर गया है। आप ऐसे जासूसों पर पैसे जाया करते हैं? आप नए जासूस रखिए। श्रीमंत, जासूस इसीलिए होते हैं कि कोई भी गलत अफवाह फैले तो उसे आप तक पहुंचा दें ताकि आपको खबर रहे। हम ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनने के लिए नहीं हैं। श्रीमंत, पानीपत से जो सिपाही लौट रहे हैं या लौटेंगे, तरह तरह की खबर लाएंगे, सच्ची भी झूठी भी। हम मान लें कि जानको जी जिंदा है और उज्जैन जाने के बजाय महाराष्ट्र के दक्खन में मारा मारा फिर रहा है। दिमाग खराब हो गया है और क्या है? श्रीमंत, लोग खुश हैं कि आप पेशवा बने हैं। और वे चाहते हैं हम उनका सर ऊंचा रखें पानीपत की हार के बाद। श्रीमंत, हर मराठे की छाती में एक घाव है, आग जल रही है, आग, उसे हम बुझाएंगे, पर नजीबुद्दौला और अब्दाली को नहीं, निजाम को नीचा दिखाकर। ये जंग हमें जीतनी है। आप जरूर जीतेंगे श्रीमंत, आपके काका साहब रघुनाथ दादा ने अब्दाली के बेटे को हराया है, अटक तक झंडे लहराए हैं। हर बात काका साहब पर नहीं छोड़ना चाहेंगे हम। आप जाइए, देखिए लश्कर कितना जमा हुआ है, कौन कितना लश्कर लेकर आया है, हथियार कितने हैं और रसद कितनी इकट्ठी की गई है। कूद से पहले हम हर चीज का मुआयना करना चाहेंगे। शायद ये ठीक ना हो श्रीमंत, ये जिम्मेदारी सेनापति की है। नहीं, ये हमारी है। हम सिर्फ नाम के पेशवा बनकर नहीं रहना चाहते, हम तो खुद लड़ने जाते, लेकिन आई साहब नहीं मानती। आई साहब ठीक कहती हैं। आई साहब के लिए आप ही सब कुछ हैं, और आपके लिए जरूरी है कि जब तक आप बालिग ना हो जाएं, नजर रखें। इसीलिए मैं लगाइए, आप भी हमारे लगाम लगाइए, लेकिन हम गलत बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप जाइए, पड़ाव का मुआयना कीजिए और हमें चुपचाप खबर दीजिए। कूच से पहले हम पड़ाव का मुआयना करने खुद जाएंगे। जो आज्ञा श्रीमंत। अब्बा पुरेंद्र, पहले डेरे के सरदार आप हैं, क्या सारी तैयारियां पूरी हो गई? जी सेनापति सरकार। सुजारत दस्ता आ गया? सेनापति सरकार, पहले पड़ाव में इंतजाम ठीक हो जाए, फिर उन्हें बुलाएंगे। इन हालात में अगर वे आ गए तो 10 शिकायतें होंगी और बात श्रीमंत पेशवा तक पहुंच सकती है। ठीक सखाराम बापू, आपके हिसाब से आपके लश्कर में कितने सिपाही आ चुके हैं? 50,000, 60,000? सेनापति सरकार, मेरे ख्याल में कुछ तक 90,000 हो जाएंगे। सेनापति सरकार, खाने पीने और चारे का भंडार शायद कुछ कम हो सकता है। अब्बा पुरेंद्र, इस बात पर ध्यान दीजिए। जो आज्ञा सेनापति सरकार। श्रीमंत पेशवा जी महाराज पधार रहे हैं। विराजी,
आपने क्यों तकलीफ की? मुझे सेनापति बनाने के बाद आपको निश्चिंत जाना चाहिए। बाहर पड़ाव में हमने जो देखा उसके बाद भी आप चाहेंगे हम निश्चिंत रहें? इस दौर में ऐसा होता है श्रीमंत। चार दिन पहले भी यही हालत थी और आज भी यही है। कितना लश्कर जमा किया ये लोग? कितना कितना लश्कर लेकर आए हैं श्रीमंत? 80-90 हजार सिपाही हमने जमा कर लिए हैं। गलत। 50। 50 हजार से एक ज्यादा नहीं। हमने गिनती कराई है क्यों नाना? जी हाँ श्रीमंत। पड़ाव में 50 हजार से ज्यादा फौज नहीं है। तुम कौन होते हो? मैं श्रीमंत का फडणवीस हूं। तो फडणवीस रहो, मुंशी हो ना मुंशी रहो, फौजी मामलों में दखल मत दो। इन्हें तजुर्बा है पानीपत की लड़ाई का। क्षमा करें श्रीमंत, जान बचाकर भागे थे नंगे बदन एक लंगोटी में। माना जी ये बातें जाने दीजिए। जहां तक हमारी फौजों का संबंध है वो और आने वाली है श्रीमंत। कहां से? सिंधिया होलकर की फौजें आई, उन्हें हुकुम भेजा? ये फौजी पड़ाव है श्रीमंत, ये बातें दरबार में की जाती हैं। पर हमने हुकुम दिया था। हम पेशवा राज्य के सूबेदार हैं और हर काम जाब्तों से करते हैं। सिंधिया होलकर को बुलाना जाब्ते में नहीं? क्यों नहीं? इसलिए कि बहुत सी बातें अभी साफ नहीं हुई, आगे जाके साफ होंगे या नहीं ये भी देखना होगा। श्रीमंत सेनापति सरकार सही कह रहे हैं, परंतु इस बात को दरबार में ही उठाना उचित होगा श्रीमंत। पर यहां क्यों नहीं जबकि उनकी फौजों की जरूरत है? अंबा चिंगड़े ने दरबार में फरियाद की, आपने रुकवा दी, अब यहां भी रुकवा रहे हैं। क्योंकि गलत जगह और गलत आदमियों के कहने से मैं कुछ नहीं करूंगा। आपके पिता और मेरे भाऊ स्वर्गीय पेशवा साहब ने मुझसे इस तरह का बर्ताव आज तक नहीं किया। अगर आप ऐसा करते हैं तो संभालिए अपना राज्य, मुझे इससे कुछ नहीं लेना। श्रीमंत रोकिए इन्हें, आपके काका साहब हैं। निजाम से मुकाबला है श्रीमंत। अगर सेनापति सरकार हट गए तो इस राज्य का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम जानते हैं वो क्या करेंगे। आई साहब के पास जाएंगे, शिकायत करेंगे, वो मीठा बोलेंगे, ये चले आएंगे, ताकत नहीं छोड़ी जाएगी इनसे। आप लोग भी सुन लीजिए, 3 दिन में पड़ाव में सब ठीक हो जाना चाहिए, निजाम से लड़ने जाना है। आओ नाना। ये क्या हो गया? राघोबा दादा चले गए और ये नए पेशवा? होलकर और सिंधिया की बात, इसका क्या मतलब है? साफ है, होलकर और सिंधिया को ये अपने साथ रखेंगे ताकि राघोबा दादा पर काबू पाया जा सके। मेरा भी यही विचार है। तो क्या महाजी को रानोजी सिंधिया की जागीर का वारिस मान लिया जाएगा? क्या राघोबा दादा की मात होगी? किसकी मात होती है और किसकी नहीं? आगरा और अजमेर का सूबेदार कौन बनता है ये तो वक्त बताएगा। देखते जाओ तेल भी और तेल की धार भी। दुर्गा बाई, श्रीमंत के लिए शरबत लाओ। जी। उनके बाद हमारा कौन है? आप छोड़ बैठेंगे अपने भतीजे को उस नादान के कहने पर? कहां समझता है वो मुझे अपना फडणवीस जैसे सलाहकार जो है उसके पास।
जवान है, जवान अच्छे लगते हैं उसे, पर आपके बिना वो चल सकता है? इतना बड़ा राज वो संभाल सकता है? तभी वसीयत लिखाई कि 5 साल तक आप उसकी और राज्य की देखभाल करेंगे। मेरे लिए तो आप ही बड़े हैं। जब वो सदाशिव राव को भेजना चाहते थे तो मैंने नहीं कहा था? अब्दाली से आप ही लड़ सकते हैं, कहा था कि नहीं? जी, कहा था। शरबत लीजिए, लीजिए ना। दुर्गा भाई जी, भोजन की तैयारी करो। जी अच्छा। श्रीमंत आज यही भोजन करके जाएंगे। जो हुक्म भाई सरकार। आप जी छोटा ना कीजिए, मैं उसे कड़ी चिट्ठी लिखती हूं और आज ही भेजती हूं। लेकिन मेरा जो अपमान हुआ है भाभी सरकार। अपनों का बुरा नहीं मानते, विश्वासराव को देखा था ना आपने, बात बात पर बिगड़ते थे, आपसे भी और उनसे भी। इधर देखिए, आखिर खून तो आप ही लोगों का है, नहीं है? परशुराम वाला हाथ में फरसा, बात बात पे गुस्सा, इसे शाप उसे भस्म, फिर खुद ही शांत। मेरी तरफ तो कोई ऐसा नहीं है। आप भी बस एक ही बात सारी बात खत्म कर देती हैं। तो क्या करूं, आप और बेटे में से किसको चुनूं? आप ही बताइए ना। जीती हैं आप, चलिए गुस्सा थूक दिया, अब भोजन, भूख लगी है? अभी नहीं, देर लगेगी। अपने हाथ से कुछ बनाऊंगी। देवर साहब आए हैं इतने दिनों बाद, पहले आप नहा लीजिए। पड़ाव की धूल मिट्टी लगाकर आए हैं, उसे छुड़वाइए। जो आदेश। क्या खबर लाई भाई सरकार? क्या बताऊं, खाना बनाया, अपने अपने हाथ से पंखा झलकर खुद खाना खिलाया, और जाते हुए अपने हाथ से पान का बीड़ा भी खिलाया। और क्या कहा? बस मना लिया, कहा माधव तो बच्चा है। अरे एक आध बात उसकी भी मान लीजिए। अरे जितनी समझ आप में है उतनी समझ उसमें कहाँ है देवर जी? और वो हाँ कर आए भाई सरकार, अब औरत कहे खाना बनाए, पंखा झले, पान का बीड़ा दे। देखो कान खुले रखो, माधव आए बात करे माँ से किसी और से, मुझे खबर दो। जी भाई सरकार। अब हम आराम करेंगे, घोड़ा शाम को लाना, पड़ाव चलेंगे। जो हुक्म श्रीमंत। दुर्गा, श्रीमंत आ रहे हैं। जी तुम जाओ। जी भाई साहब।
बड़े खुश हैं? आओ, भोजन तैयार है। नहीं, मैं खा आया। कहाँ? वो पेशवा जी के महल गया था। पान बहुत रच रहा है, कहाँ खा कर आए? कहा ना, महल गया था, वहीं खा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, भावुश ने खिलाया प्यारे भाई की गोपिका सरकार ने। एक पान खाते ही लड्डू हो गए, लगे नाचने। भोजन कितने प्रकार के किए? 17? तुम्हें किसने बताया? आनंदी हूं मैं, बहुत आनंद देती हूं। चंडी का भी हूं, सबकी खबर रखती हूं। रणछोड़ बन के आए क्या? उस 16 साल के छोरे से झड़प होते ही भागे, रख दिया हथियार, छोड़ दी पेशवा की सुपरदारी। जिसकी मस्से नहीं भीगी, कटाए उसके सामने अपनी मूछे और कर दिया मेरा नाम काम और अपना रुतवा तमाम। आनंदी, तुम कुछ नहीं जानती। अनशन पट्टी लेकर महारानी कैकेयी की तरह। कैकेयी हार कर गोप भवन में नहीं पड़ी थी, रखवा लिए थे राजा दशरथ से गिन गिन के 3 वचन, और तुम 1 वचन, 1 लड़ाई नहीं जीत सके। क्यों छोड़ा तुमने पड़ा? क्यों कह दिया छोड़ दोगे पेशवाई उसके लिए, जबकि सब कुछ तुम्हारा होता? अगर नहीं कर दिया होता उस बूढ़े ने वसीयत करके उसके नाम, मैं सब ले लूंगा। तो उठो, जाओ पड़ा में और बता दो कौन सेनापति है और कौन पेशवा। मैं छोड़कर नहीं आया, मिलाकर आया हूं उसकी मां को। बता दिया है मैंने उसे कि मराठा राज्य संभालूंगा मैं। ये पान नहीं खिलाया, खिराज दिया है खिराज, मांगा है अभेदान अपने बच्चे की सलामती का, और लिखा है खत उस मुजोर बेटे को कि आइंदा अपना मुंह अपनी मां की आंचल में छुपा कर रखे, लेकिन मेरे मुंह ना लगे। पान मेरे हाथ से खाया करो, किसी दूसरे के नहीं। पान अपनी का अच्छा होता है, क्योंकि वो अपनी होती है। लोग जादू टोना करते हैं मीठी बातें करके, माफी मांगकर, बच्चे को बालक और बालक को नादान कहकर, ताकि वो बच्चा रहे, बड़ा हो और बतला ले। याद है उसने विश्वासराव को सदाशिवराव के साथ क्यों भेजा? तीर वो चलाए और कमान बेटे के हाथ में रहे। अब भी वो वही खेल खेल रही है। खेल तो मैं खेलूंगा, या तो वो तप कर रहेगा या फिर उसे दबा कर रखूंगा। वो महाजी, देखता हूं कौन बनाता है उसे वारिस। क्या? जानकू जी तो मर गया, लेकिन मैं उसे जिंदा करके खड़ा करूंगा पेशवा और महाजी के बीच। ये क्या है? एक थोरात महाभारत में शकुनि के पास एक पासा था, मेरे पास भी एक पासा है। कौन है वो? पहले परख लूं, फिर देखना। हाँ भाई, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। अच्छा भाई, चलो। कौन है? कौन? महाराज, होलकर जी महाराज आपके खेमे में आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। बहुत अच्छा। Thank you.
काका। महाराज जी पहली चौथ वसूल कर ली, बधाई। यहां से जाकर दूसरी चौथ भी वसूल कर सको, इसके लिए आशीर्वाद। धन्यवाद काका। आपने क्यों कष्ट किया, मैं तो खुद आने वाला था। आप बैठिए ना आराम से। अहिल्या की बात मानकर तुमने हमें लड़ाई में आगे लड़ने का कष्ट नहीं दिया, तो हमने सोचा इतना कष्ट तो कर ले। सेनापति को पीछे रहना चाहिए, यह सबक मैंने सीख लिया है। वैसे आपका लश्कर, आपके निर्देश, आपका आशीर्वाद सब मेरे साथ था। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ये घाव अब कैसा है? देख लीजिए, अभी अभी घोड़े से आ रहा हूं। गर्व है तुम पर महापिता, इतने कम समय में तुमने इतना कुछ हासिल कर लिया। राजपुताना की लड़ाई जीती, कितना नुकसान किया? काफी नुकसान किया, लेकिन काका पानीपत की शिकस्त और सूबेदारी जब्त होने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं जो सेनापति था वो सेनापति नहीं रहा। इस समय ऐसा लग रहा है, लेकिन जल्द ही वो समय आएगा जब तुम फिर अपने आप को एक सेनापति, सरंजाम और सूबेदार महसूस करने लगोगे। अभी आगे की बात न कीजिए काका, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उसका नाम समय है। बेटे लेकिन आगे तो बढ़ना है, अभी तो राजपुताना की रियासतों से चौथ वसूल करनी है। काका साहब, रह रहकर ख्याल आता है कि मैं बिना इख्तियार के जो चौथ वसूल कर रहा हूं वो नाजायज तो नहीं। वैसे तो जो श्रीमंत पेशवा ने किया वो नाजायज था, जो राघोबा दादा कर रहे हैं वो भी नाजायज है। निजाम पर हमला करने के लिए लश्कर में नहीं बुलाया गया यह भी नाजायज ही हो रहा है, लेकिन हम सिंधिया हमेशा पेशवा के वफादार रहे, इसलिए सोचता हूं कहीं मुझसे कोई नाजायज काम ना हो जाए। जो तुम कर रहे हो वो नाजायज नहीं है, तुम तो पेशवा सरकार के लिए चौथ वसूल कर रहे हो और ये साबित कर रहे हो कि उत्तर में भी हमारी ताकत कायम है। महाजी, चौथ वसूल करो, फिर पुणे जाओ अपना लश्कर लेकर, चौथ लेकर, और फिर देखना सिंधिया की विरासत और सूबेदारी कौन नहीं देता। काका साहब, अहिल्या बाई का कर्ज तो मैं उतार दूंगा, लेकिन आपका नहीं उतार पाऊंगा। मेरा कर्ज भी उतार दोगे, यही नहीं बल्कि कर्ज चढ़ा दोगे मराठा रियासत पर और इतिहास पर भी। खैरियत, आपको किससे मिलना है? होलकर जी महाराज की चिट्ठी लाया हूं सूरेगढ़ से, अहिल्याबाई सरकार से मिलना है। दरवाजा खोलो। होलकर जी महाराज कुशल तो है ना? जी भाई सरकार, बिल्कुल ठीक है। सरदार महाजी सिंधिया ने सूर्यगढ़ की लड़ाई जीत ली है। सेनापति महाजी सिंधिया सुरक्षित तो है ना? जी जी ठीक है। क्या छुपा रहे हो?
क्या बात है? कुछ नहीं भाई सरकार, महाराज ने सबको चिट्ठी में लिख दिया है। नहीं, सेनापति महाजी सिंधिया के बारे में कुछ नहीं लिखा। वो ठीक तो है ना? घायल तो नहीं हुए? जी। हमारा हुक्म है, बताओ। उनकी बाह में गोली लगी है, बस थोड़ा सा मांस छिल गया है, अब वो बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं होगा महाजी को, मेरी आत्मा कहती है। तुम जाओ। अहिल्या, पता नहीं ये विश्वास कहां से आता है। महाजी को देखा, लगा होलकर महाराज के दाएं हाथ हैं, दोनों मिलकर बहुत बढ़ेंगे, नाम रोशन करेंगे। क्या इसलिए आपने? हाँ, महाजी को मैंने 5 लाख दिए हैं, जानती हो क्यों दिए हैं? जी। होलकर जी महाराज ने मुझे पूरी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, पर प्यार दिया है। ना सही पूरी पत्नी, पर आधी तो हूं। सुहाग तो होता है जिसकी सलामती चाहती है, इसीलिए होलकर महाराज की सलामती के लिए कोई तो हो जो उनके साथ खड़ा हो। महाजी को मैंने 5 लाख दिए हैं, ये रुपए देकर मैंने कवच कुंडल लिए हैं, उनके लिए भी और अपने लिए भी। समझ सकती हूं, कोई आदमी कुछ नहीं होता और फिर भी सब कुछ होता है। लगता है उसे कुछ ना हो। प्यार का एक रूप राधा का रूप होता है। हम लोग जो ब्याहता नहीं मानी जाती, राधा होती है। रुक्मणी नहीं, राधा ही सही। जीने के लिए क्या ये कम है? प्रणाम श्रीमंत। कहां थे इतने दिन और आए क्यों नहीं? यहां हम आपसे बात कर सकते हैं खुलकर। हम नहीं जानते थे हमारे रघुनाथ काका महात्मा से इतने नाराज हैं। हम जानते हैं कि ज्यादती हुई है और हम उसे खत्म करना चाहते हैं, पर कब कर पाएंगे हम खुद नहीं जानते, और जल्द कर पाएंगे ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि पहले निजाम को रोकना है जो कि चढ़ आया है। फिर ये अफवाह भी फैल रही है कि जानको जी जिंदा है। सरदार जानको जी? पता नहीं असली या नकली, इससे भी निपटना है। पर सुना है महात्मा मुहिम पर जा रहे हैं या जा चुके हैं? श्रीमंत, मुझे कुछ पता नहीं है, सौगंध खा के कहता हूं, मगर मैं सोचता हूं वो ऐसा क्यों करेंगे। कर सकते हैं और करना भी चाहिए। उत्तरी हिंदुस्तान में अपनी ताकत फिर से मनवानी चाहिए, पर कामयाबी के साथ।
एक बात और, उन्हें अपना लश्कर लेकर यहां आना होगा। यहां पुणे आपके पास? हां, जरूरत पड़ सकती है। निजाम के खिलाफ? नहीं, हमने रघुनाथ काका से कहा था पर उन्होंने बुलावा नहीं भेजा। अब महात्मा के आने के बाद ही कुछ होगा, इसलिए वो अपना लश्कर लेकर आ जाएं जल्द से जल्द। हाँ, और याद दिलाना महात्मा को, उन्हें हमारे साथ घुड़दौड़ का मुकाबला करना होगा पर्वती पर। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पांडव अत्रे के पिताजी का देहांत होने की वजह से उन्हें गांव जाना पड़ा, लेकिन अंबाजी इंगले पुणे से आए और हमारे लिए नए पेशवा श्रीमंत माधवराव जी की तरफ से हुक्म लाए कि चौथ वसूल करने के बाद हम लश्कर के साथ पुणे जाएं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं महाराज। उस युद्ध में आप विजयी होंगे। विजयी तब होंगे जब राणा हमारे सामने हथियार डाल देगा और हमें चौथ दे देगा जिसे उसने हमारे दूत को देने से इनकार कर दिया था। इस बार हम धावा नहीं बोलेंगे बल्कि छापे मारते रहेंगे। सूर्यगढ़ के सारे रास्तों पर बैठकर अब डाली की तरह राणा की नाकाबंदी करते रहेंगे और कमांडर इब्राहिम खान गार्दी की तरह उसके किलों पर गोलाबारी करते रहेंगे। राणे खान जी महाराज, अंबाजी इंगले और गोविंद साठे को दो नक्शे दे दिए गए, आप उन्हें अपनी कमान में ले जाइए और सारे रास्तों पर कब्जा करके नाकाबंदी कर लीजिए। जो हुकुम महाराज। हर हर महादेव। नाकाबंदी है। अरे नाकाबंदी, रास्ता भी बंद है, वापस जाओ। अरे बोले चलो जाओ, वापस जाओ। तो ये है रंजनगढ़ का किला। लगता है राणा ने हमसे मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अंबाजी इंगले जी सेनापति, आप किले के उस तरफ जाकर नाकाबंदी शुरू कर दीजिए और राणे खान जी महाराज, तुम किले के उस तरफ जाओ। जी बहुत अच्छा। और याद रहे, अगर तोपे चलाई जाएं तो सिर्फ डराने के लिए, आम जनता को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो हुक्म महाराज। जाओ। माँ गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही है? ये रास्ता क्यों रोक रखा है? क्या खबर है? वापस जाओ। तुम लोगों में से यहाँ से कोई भी आगे नहीं जा सकता। हम रंजनगढ़ के रहने वाले हैं सरकार, हमें जाने दीजिए। सुनो,
रंचनगढ़ की घेराबंदी कर दी गई है। वह ना तो कोई जा सकता है और ना ही वहाँ से कोई वापस आ सकता है, समझे? ये नाकाबंदी कब तक हटेगी? 20 दिन से आप लोगों ने रास्ता रोक के रखा है। जब तक तुम्हारे राणा चौक नहीं दे देते अटके खड़े रहोगे, चाहे 20 दिन लगे या 120 दिन। अब सीधी तरह तुम लोग वापस चले जाओ, वरना जबरदस्ती धकेल कर वापस कर दिए जाओगे। जाओ। जी सिंधिया ने बहुत मोर्चे खोल लिए हैं, ऊपर से नाकाबंदी भी कर दी है। किले की तरफ जितने भी रास्ते आते हैं सब बंद कर दिए हैं। महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, हालात बहुत खराब है। खाने पीने की कमी होती जा रही है, लोग भूखे हो रहे हैं। महाराज, गोलाबारी, छापे, नाकाबंदी, 30 दिन हो गए हैं। कब तक ऐसा चलेगा महाराज? महाराज जी हमसे सिर्फ चौथ मांगते हैं, हमारे इलाके नहीं। अगर हम उन्हें चौथ दे देंगे तो वो वापस चले जाएंगे। मंत्री जी, आप ठीक कहते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम हथियार की जगह राजनीति से काम लें और महाजी सिंधिया को यहां से हटाएं। आप सुलह का सफेद झंडा लहरा का संदेश भेजिए कि हम सुलह की बात करने आ रहे हैं। जी महाराज। क्या आप सरदार महाजी सिंधिया से मिलने जाएंगे? और कोई रास्ता भी तो नहीं। प्रजा तो भूखों मर ही रही है, अब सेना के भी भूखों मरने की नौबत आ गई है। मैं सुलह करने नहीं जा रहा, समय खरीदने और सौदा करने जा रहा हूं, और ये सौदा सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि सौदेबाजी वो होती है कि लेनदार दरवाजे से चला भी जाए और ज्यादा देना भी ना पड़े। लेकिन आप करेंगे क्या? कहीं ऐसा ना हो कि महाजी फिर आ जाए। कहते हैं बिल्ली ने शेर को सब दांव सिखाए, सिर्फ एक दांव नहीं सिखाया था, और वो दांव मेरे पास है। शेर के पास ताकत होती है लेकिन बिल्ली के पास चालाकी, इसीलिए बिल्ली के एक नहीं पूरे 9 जन्म होते हैं। प्रणाम। प्रणाम। आइए। बैठिए।
आप चौथ लेने नहीं सजा देने आए हैं। अगर हम कहें कि याद दिलाने आए हैं कि जो फर्ज पूरा नहीं करता वो दोस्त नहीं रहता, और जो दोस्त नहीं रहता वो एक कदम लेता है और दुश्मनी के खाने में जा खड़ा होता है। राजपूताने पर चढ़ाई, ये बात राजपूतों को बताने के लिए की गई है। राणा जी, बात राजपूत जाट या मराठों की नहीं है, उन समझौतों की है जो हम लोगों ने किया था दोस्त बने रहने के लिए। लेकिन पानीपत के बाद पूरे हिंदुस्तान ने उनका पालन करना बंद कर दिया है, क्या यह सच्चाई नहीं? यह हम मानते हैं। तो फिर यह क्यों नहीं मानते कि हम यहां याद दिलाने आए हैं कि पानीपत महज एक इत्तफाक था, पेशवा राज्य का अंत नहीं। आज भी दोस्त बने रह सकते हैं हम, अगर दोस्ती की शर्तें निभाई जाएं कि अमन रखने और अमन से रहने के लिए चौथ यानी मालगुजारी का एक चौथाई हिस्सा दिया जाए। हमें मंजूर है, मगर जो भगवान को मंजूर नहीं वो नहीं जानना चाहेंगे आप? क्या हमारे राज्य में खेती बरखा से होती है और बरखा भगवान के हाथों में है, पहले सूखा और इस बार इतनी बरखा भेज दी कि बाढ़ आ गई। हम सिर्फ ये चाहेंगे कि आप चौथ कम लें, यानी कि 15 लाख की जगह सिर्फ 5 लाख लें। नहीं, यह तो बहुत कम हुआ। हम 5 लाख कम कर सकते हैं, आप 10 लाख दे दीजिए। ठीक है, लेकिन इसकी 2 किस्तें कर दीजिए। तो पहली किस्त आपको फौरन अदा करनी पड़ेगी। जरूर, लेकिन आपको रानी साहिबा की एक विनती स्वीकार करनी होगी। आप पहले उनके हाथ का बना भोजन करेंगे, फिर चौथ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा स्वादिष्ट भोजन था। अब आज्ञा दीजिए। महल में जिनकी चलती है उनसे तो आज्ञा ले लीजिए। आइए। आइए महारानी, महाजी जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार राखी बांधती, पर आप सेनापति हैं, न जाने कब लड़ने चले आए, इसीलिए आपको नहीं आपकी धर्म पत्नी को अपनी धर्म बहन बना रही हूँ। ये सुहाग का जोड़ा और सिंदूर है, उसे लगा दीजिएगा और कहिएगा कि मुझे अपनी बहन बना ले और ओढ़नी भेज दे। जी, आपका स्नेह और आपका आदेश दोनों पहुंचा दूंगा। महारानी जी, आप मुझे भाई नहीं बना रही हैं, इसके राखी बांध दीजिए। ये मेरा भाई है राने खान। इसका एक बैल है, पहले उसकी रास खींचा करता था, आजकल मेरी खींचे रखता है। इसके बांध दीजिए, मैं भी बंधा रहूंगा। रानिका, मैं आपको बांध दूं? आप मुझे दे दीजिए, मैं उसकी तावीज बनवा लूंगा और यहाँ बांध लूंगा। खुदावंद करीम की रहमत और आपकी बरकत हमेशा मेरे साथ रहेगी। रानी साहिबा, दुआ कीजिएगा मेरी नजरें हमेशा आपके सामने झुकी रहे, इज्जत से ना कि शर्मिंदगी से। रख दो, ये पूरे 5 लाख है, हमारी चौथ की पहली किस्त, आप ले जा सकते हैं। धन्यवाद। राणा से कह दें कि दूसरी किस्त वादे के मुताबिक 6 महीने के बाद जरूर अदा कर दें।
बैलगाड़ियां हिफाजत से ले चलो। खूबसूरत है ना? तुम्हें ये सब पसंद है ना? जी। देखिए आप आए जीत कर आए ना, कुछ लेकर आए हैं। अब चलिए ना मंसूर शाह बाबा के दर्शन कराएं। जमना, मुझे पहले कर्ज लौटाने इंदौर जाना है, वहां से पुणे जाना है पेशवा जी से मिलने। अब पहले बीड़ जाऊं, 10 दिनों का रास्ता है, वहां से लौट कर आऊं और फिर पुणे जाऊं। आपको बीड़ जाना है और पुणे जाने से पहले? क्यों, अब क्या हो गया? पिछली बार भी पानीपत से लौटे तो पीछे थे और सूबेदारी छीनने की खबर पहले पहुंची थी। इस बार भी फिर ऐसी ही खबर आई है। आपको मंसूर शाह बाबा के पास जरूर जाना है। लेकिन खबर क्या है? खबर फैली है कि हाँ? जानकू जी जिंदा है। क्या जानकोची जिंदा है? हाँ। ये खबर तुमने कहां से सुनी? जिंदा है तो कहां है? किसने कहा तुम्हें? हम क्या बताएं? हमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, मां साहब ने भी नहीं देखा। लेकिन लेकिन है तो घर तो आना था। वो जरूर आते अगर जिंदा होते तो। क्या मतलब है तुम्हारा?
लगता है छलिया है कोई, या फिर लोग झूठ बोल रहे हैं, या फिर कोई षड्यंत्र है, एक साजिश। साजिश? जागीर ना देने की, आपको सूबेदार ना बनने देने की। हम पर तो ग्रह है, पानीपत गए, घायल हुए, घर आए सूबेदारी गई, अब चौथ लेकर आए हैं तो ये अफवाह फैली है। हमारा दिल धड़क रहा है, आप हमारे मंसूर शाह बाबा के पास जरूर चलिए। हमने उनसे कहा था कि हम आपको लेकर आएंगे, वही कष्ट निवारण करेंगे। जमना, ये कष्ट नहीं है। अगर जानको जी जिंदा है तो हमसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है, और अगर नहीं है तो हमें किस बात का डर। झूठ के पांव नहीं होते जमना। मुझे दो बड़े काम करने हैं, अहिल्याबाई का कर्ज अदा करना है और फिर पुणे जाकर चौथ जमा करानी है। तुम्हारे पीर बाबा के पास कैसे जा सकता हूं, वो रास्ते में भी तो नहीं पड़ते। तुम ऐसी डरी निगाहों से क्यों देख रही हो? तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी पूजा, जितने पुण्य तुमने कमाए हैं सब मेरे साथ हैं। मुझे कुछ नहीं होगा। हमारे साथ चलिए, हमें हिम्मत नहीं है। आपकी तरह सब कुछ सहने का कलेजा भी तो नहीं है। हमें कुछ गलत दिख रहा है, भीड़ चलिए, मंसूर शाह बाबा के पास चलिए। डरो मत, अपने सारे डर मुझे दे दो और मेरी बात पर विश्वास करो। मैंने खतरों से खेलना सीख लिया है और डर से जीतना भी सीख लिया है। पर हमने नहीं सीखा। तो सीख लो। एक वहम के लिए मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। निजाम ने हमारे बहुत से इलाके ले लिए हैं। चौथ जमा करवाने के बहाने अगर मैं पुणे गया तो हो सकता है मुझे लश्कर में शामिल होने के लिए कह दिया जाए। इसीलिए और कुछ ना सही, निजाम से जो लड़ाई छिड़ गई है उसे देखते हुए मुझे जाने दो जमना, मुझे जाने दो। हाँ, बस। क्यों जिंगिया महाराज जी, खुश हुए? तबीयत बहाल हुई? हाँ भैया, आज तो बड़े मेहरबान है, बड़ी जल्दी गर्दन हिला दी। अपना मामला है ना, इसलिए। हाँ क्यों नंदी महाराज? सुभान तेरी कुदरत, क्या फटाफट जवाब आ रहे हैं महाराज। फिर हमारी भी एक बात का जवाब दीजिए। बिना बुलाए जो हम पुणे जाने की सोच रहे हैं, जाएं कि नहीं? हाँ, अरे क्या हुआ? सोच रहे हैं, सोच कर जवाब देंगे। ए महाराज, सोचने के लिए मैं ही काफी हूं, आप ये बीमारी ना लगाइए। बस इतना बताइए कि जाएं कि नहीं जाएं। महाराज कितने जोर से नाम सर हिला दिया, अब आप ना जाइएगा? तो फिर क्या करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तुम्हारी और तुम्हारे जिंग्या की बात सुनकर? ना ना, हमारी ना सुनिए, एक काम और है, अंदर जाइए, भाभी सरकार की सुनिए। क्यों हमारी और जिंग्या की बेसुरी सुनने यहां चले आए? आवाज है ना बेसुरी महाराज? अरे मेरा बेटा। ये तो बहुत सुंदर है। नहीं, दूसरा दिखाओ। ये तो और भी सुंदर है। तीसरा।
वाह क्या बात है, आप तो बिल्कुल इंद्रधनुष लग रही हैं। गजब ढाने की ये तैयारियां किस लिए? ये गरीब मराठा तो वैसे ही मारा हुआ है तुम्हारा। हटो हटो ना। माँ जी। माँ साहब। कहाँ है? कौन? अरे माँ साहब। मुझे क्या पता, अंदर होंगी। पर तुमने तो अभी कहा था कि। कहाँ होगा, तुम जबरदस्ती जो कर रहे थे। अच्छा, पर ये तो मेरा हक है। अरे लेकिन सुनो सुनो ना। अच्छा बाबा कहो। ये लीजिए दुपट्टा, भिजवा दीजिए। पर किसे भिजवाऊं मैं? तभी कहते हैं मर्दों पे एतबार ना करो, रिश्ते जोड़ लेते हैं निभाते नहीं। अरे बाबा, पर किससे रिश्ता निभाऊं? राणा जी की पत्नी से। चौथ लेकर आए थे तो मेरे लिए वहाँ से सुहाग का जोड़ा ले आए थे। उन्होंने मुझे अपनी बहन बना लिया, बदले में मुझे भी उन्हें कुछ भेजना होगा ना। ये भिजवाइएगा रानी भाई के हाथों। बहुत अच्छा किया, मैं तो भूल ही गया था। मैं कह रही थी ना, तुम पुरुषों को रिश्ते निभाने नहीं आते। अगले साल वो चौथ नहीं देंगे और तुम फौज लेकर उन पर चढ़ाई कर दोगे। मगर हम स्त्रियों को तुम्हारी खैर मनानी पड़ती है और इसीलिए हम ये रिश्ते निभाती हैं। जब आगरा और अजमेर का सूबेदार बन जाऊंगा ना, तो तुम्हें अपना सफीर, वो क्या कहते हैं, हाँ राजदूत बनाऊंगा। मांझी से चांदी की थाली ले लीजिए और रानी भाई के हाथों रानी को ये दुपट्टा और ये जेवर भिजवा दीजिए। ठीक है भाई, भिजवा दूंगा। भाई सरकार, सेनापति महाजी सिंधिया आए हैं। महाजी सिंधिया? जी भाई सरकार। उनसे कहना कि वो हरकुबाई से मिल लें, मैं पूजा करके आती हूँ। जी भाई सरकार। आओ बैठो। आइए। अब हाथ कैसा है? मुझसे ज्यादा विशेष तो मेरा ये हाथ हो गया है, हर कोई इसी की कुशल पूछता है। कुशल पूछनी भी चाहिए, क्षत्रिय के लिए उसका बाजू और उसका घोड़ा यही तो है जो उसे कीर्ति दिलाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं भाई सरकार। होलकर महाराज की चिट्ठियों से पता चलता रहा कि तुमने सूर्यगढ़ में क्या क्या कारनामे किए हैं। अब ये कोई नहीं कह सकेगा कि तुम रानोजी सिंधिया के वारिस नहीं हो। यह सब आप ही की कृपा है भाई सरकार। अगर मल्हार काका ने सलाह और साथ न दिया होता, अहिल्या बाई और आपने धन न दिया होता,
तो मैं वहां खड़ा ना होता जहां आज हूं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया। तुम्हारे होलकर काका के स्वर्गवासी बेटे खांडेराव की मैं सगी मां ना सही, लेकिन हूं तो उसी परिवार की। जो सलूक तुम्हारे साथ तुम्हारे मल्हार काका और अहिल्या बाई करती हैं, मैं भी वही कर रही हूं। तुम जानते हो यह धन मैंने तुम्हें क्यों दिया है? तुम्हारी मां साहेब चिमनाबाई सरकार ने जिस हिम्मत से पेशवा का मुकाबला किया, मुझे लगा तुम उनके बेटे हो जो उनका और हमारा झंडा हमेशा ऊंचा करोगे। मैं आपको प्रणाम करता हूं भाई सरकार। आपका कर्ज जो आपने मुझे दिया था वो वापस करने आया हूं। होलकर महाराज ने मुझे नाम के सिवा इतना कुछ दिया है कि मैं संभाल नहीं पाती। देखो ना, तुम्हें थोड़ा सा देकर कुछ हल्की हुई और तुम वही बोझ मुझ पे फिर चढ़ाना चाहते हो। पर ये तो कर्ज है आपका। चढ़ा रहने दो, तुम सूरज की तरह चमकोगे, चढ़ोगे, लड़ाइयां जीतोगे और मुझे ऐसा लगेगा कि तुम्हारी जीत में मेरा भी कुछ लगा है। कहीं मेरा भी नाम आ जाए इसी बहाने। 5 लाख देके बहुत महंगा सौदा नहीं किया है? हम औरतों की यही तो खूबी है, सौदा करती है तो बहुत महंगा। अपने काका होलकर जी महाराज से पूछ के तो देखो। नमस्कार अहिल्या बाई। नमस्कार, बैठिए। आप बैठिए। आपके गांव का निशान गया कि नहीं? जी अभी थोड़ा सा रह गया है। हमारी बैठ जी की दवा से गांव का निशान जाता रहता है, उसे लगाइए, निशान जाता रहेगा। कल बुलवाऊंगी। निशान रहने दीजिए अहिल्या बाई, याद दिलाता रहेगा। और फिर निशान कब तक मिटाएंगे आप? एक घाव ठीक होगा तो दूसरा लग जाएगा, दूसरा ठीक होगा तो तीसरा। मैं जाने और कितने घाव लगेंगे, कितने घाव लगेंगे। अब तो नकली जानको जी का भी निशान लगा होगा। अगर जानको जी जिंदा है तो हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं अहिल्या बाई। लेकिन अगर ये सच नहीं है तो? ये सच नहीं है। ये आप कैसे कह सकती हैं? जानको जी के जीवित होने की अफवाह सुनकर आपके होलकर काका ने नजीब खां को चिट्ठी लिखी थी कि वो इस बारे में कुछ जानते हो तो बताएं। बरखुर्दा खां के एक सिपाही ने नजीब खां को जो बताया वो उन्होंने लिख दिया। क्या लिखा था? जानको जी बरखुर्दा खां की कैद में थे, रोज वो अपने अंजाम का इंतजार करते थे। एक दिन बरखुर्दा खां का एक सरदार उनके पास आया और बोला, उंजारा बीकानेर
ये क्या हो रहा है? तुम्हारा कब्र खोदा जा रहा है, तुम्हें जिंदा दफना दिया जाएगा। तुम्हारा मुल्क का लोग गद्दार, तुम्हारे बारे में शाह को खबर किया, तुमको दफन नहीं किया तो हमारा सालार दफन होगा, इसलिए तुम्हें दफन किया जाएगा। हमारा सालार मजबूर है। और एक अफवाह यह है कि उन्हें जिंदा काट दिया गया था। जौनपुर जी मराठा वीरता के एक नमूना थे, अगर वे जीवित है तो मैं उन्हें सीने से लगा लूंगा, और अगर कोई नकली है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन काका ने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? इससे आपका कोई फायदा नहीं होता। नजीब खां की चिट्ठी को पेशवा के दरबार में सबूत नहीं माना जाएगा। सही बात है, लेकिन समझ में नहीं आता कि अफवाह क्यों और कैसे फैली कि जान को जी जिंदा है। हो सकता है यह अफवाह इसलिए फैलाई गई हो कि आपका मामला पेशवा जी के दरबार में जाए भी तो उसका फैसला न हो पाए। अब तो सूबेदारी सरंजाम अपने बल पर लेकर आऊंगा। ये हुई ना बात सिंधिया सेनापति वाली। अब ये बताइए कैसे आना हुआ? अहिल्या बाई, आपने जितना दिया है उतना तो कभी उतार नहीं सकूंगा, पर ये हुंडियों के रुपए लौटाने आया था। तो जल्दी क्या है, आपको शायद और लश्कर की जरूरत पड़े। अब कितना लश्कर है आपके पास? अब तो करीब 10,000 है। अभी नहीं जा रहे, पर बाद में जब भी पुणे जाएं तो 15,000 का लश्कर लेके जाइएगा। जीत के बाद बहुत से मराठे अब आपके साथ जाना चाहेंगे। हमारे मालवे के पिंडारी पठान भी हैं, लड़ाई पर ले जाते हैं तो हम उन्हें चारा ना रोज देते हैं, उन्हें भी शामिल कर सकते हैं। उनके पास घोड़े भी अच्छे हैं, देखते जाइएगा। लेकिन लश्कर बड़ा होता है तो खर्च भी बहुत पड़ जाता है। रास्ता है, मैं बताती हूं। जो रुपया आप मुझे लौटाने आए थे अभी लश्कर पर खर्च कीजिए। जब पुणे से सरंजाम और सूबेदारी लेकर आएंगे तो लौटा दीजिए। अच्छा ये बताइए, आपने वचन लिखे? आपने कहा था कुछ लिखे हैं तो दीजिए। लिखे तो है पर पता नहीं कैसे है। ब्याज में मिले हैं, अच्छे ही होंगे।
और फिर जब अच्छा गाते हैं तो बुरा क्यों लिखेंगे? एक छोटी सी भेंट और है, इसमें राधा कृष्ण की मूर्ति है। जोहरी कहता था बहुत पुरानी है, किसी महारानी की है जो कृष्ण भक्त थी। इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। मेरी एक मदद कर सकती हो क्या? आपकी? मैं नहीं चाहता कि महाजी पुणे जाए। लेकिन महाजी को तो पेशवा माधवराव जी ने बुलाया है, और वो भी लश्कर के साथ। तभी तो चाहता हूं कि वो पुणे न जाए। माधव राव के साथ खड़े होने का मतलब है रघुनाथ राव से खुली दुश्मनी मोल लेना। अगर ऐसा हुआ तो वो महाजी को सूबेदार नहीं बनने देंगे। 5 साल तक पेशवाई का काम उन्हीं के हाथ में है। तो क्या आप भी पुणे नहीं जाएंगे? मैं जाऊंगा, इसीलिए नहीं चाहता कि महाजी जाए। अगर दोनों जाएंगे तो मुझे भी माधव राव का समर्थक समझ लिया जाएगा। रघुनाथ राव मेरी सूबेदारी का खरीदा जो उसके पास है मुझे नहीं देगा। तो क्या आप महाजी को बता के नहीं जाएंगे? नहीं, चुपचाप जाऊंगा। इस वक्त महाजी का पुणे जाना ठीक नहीं। बाद में पता चल गया तो? इस घड़ी समय का सांप फन उठाए खड़ा है, उन्हें और मुझे दोनों को डस सकता है। बाद में सरक कर कहीं और चला जाएगा। मैं सूबेदार बन गया तो महाजी की मदद कर सकूंगा। हरकू, मैं जानता हूं तुम्हें महाजी से कितना स्नेह है, मुझे भी है। मैं उनसे कोई छल नहीं कर रहा, ना ही कभी कर सकता हूं। मैं उन लोगों से कर रहा हूं जिन लोगों ने महाजी के साथ छल किया है। ये बात मेरे दिमाग में भी आई थी। पुणे खुद चौथ लेकर गया तो मुझसे पूछा जा सकता है कि मैंने चौथ क्यों वसूल की जबकि हमारी सूबेदारी जब्त है। लेकिन अगर अंबाजी इंगले के हाथ चौथ चली जाए और वो खजाने में जमा हो जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी और आगे का रास्ता भी खुल जाएगा। लेकिन जब खुद श्रीमंत पेशवा जी ने आपको बुलाया है और कहा है कि वे अहिल्या, कहा जरूर है लेकिन यह भी तो कहा है कि कुछ कर नहीं सकते। मैं पुणे जाऊं मेरी बात और है, मेरी सूबेदारी का तो बस खरीदा रुका हुआ है। लेकिन तुम, जब तुम्हारा मामला दरबार में उठा रोक दिया गया। बरोबर, काका साहब सही कहते हैं, मेरा वहां ना जाना ही ठीक होगा। मैं नहीं जाऊंगा,
यह फैसला मेरा है और मेरे हक में है। प्रणाम काका। लगता है हुजूर निजाम साहब की तबीयत बहुत खराब है। खून का दौरान कभी कभी बहुत बढ़ जाता है तो दवा देकर कई कई दिन तक सुलाना पड़ता है। हमने मलिका आलिया भाभी साहिबा को खत लिख दिया था, उन्होंने भाईजान से हिदायत ले ली होगी। अगर इजाजत मिल गई तो तुम्हें फौरन पुणे जाना होगा और रघुनाथ राव को शीशे में उतारना होगा। बस आपके हुक्म की देर है हुजूर, मैं पुणे भी जाऊंगा और उज्जैन भी। तशरीफ लाइए हुजूर, बेगम आलिया तन्हाई में आपसे बात करना चाहती हैं। शिवा जी, हम भाभी साहिब से मिलकर आते हैं, तुम यहीं ठहरो। हुजूर। भाभी साहिबा की खिदमत में आदाब। खुदा इज्जत और इकबाल से सरफराज करे, बैठिए। जज़ाक अल्लाह। भाई साहब की तबीयत फिर नासाज हो गई। ये कमबख्त मौसम जहां बदलता है, ये मूजी मर्ज आ दबोचता है। कल जरा जी बेहतर था, आपका खत पढ़कर उनको सुना दिया था, खुश थे वो कि हर मोर्चे पर कामयाबी आपके कदमों को चूम रही है। आपने जो पेशवा की बात लिखी उनकी समझ में नहीं आई। भाभी साहब ये समझिए, गैब से मदद हो रही है, पेशवाओं में फिर नाचाकी हो गई है। पेशवाओं में? पेशवा तो एक ही है। एक नहीं, दो। बालाजी पेशवा ने मरते वक्त अपने नाबालिग बेटे माधव राव को पेशवा नामजद किया और उसके बालिग होने तक पेशवा के अख्तियारात अपने भाई रघुनाथ राव को दिए। अब दोनों में रस्साकशी हो रही है। रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहते हैं। हमारे मुगल दरबार की बीमारी पुणे के पेशवाओं को भी लग गई है। बहुत पहले से भाभी साहिबा, सुना है मरहूम पेशवा को जहर रघुनाथ राव और उनकी बीवी आनंदीबाई ने ही दिया था। अगर हम रघुनाथ राव को ये पेशकश करें कि पेशवा बनने में हम उनकी मदद करेंगे तो हो सकता है कि बिना लड़े हमें वो इलाके वापस मिल जाएं जो सदाशिव भाव ने उदगीर की जंग में हमसे जीते। लेकिन कैसे? हमसे सुलह करके। मराठे कभी तैयार नहीं होंगे। भाभी साहिबा, सदाशिव भाव समेत उनके तमाम सरदार मारे जा चुके हैं, फिर पेशवा को राजी करना रघुनाथ राव का काम होगा। क्या पेशवा हमसे मिलेंगे? क्यों नहीं। तब तजवीज क्या है? हमारे सिपह सैलार चंद्रसेन जाधव के भतीजे शिवाजी जाधव बेहद अकलमंद और भरोसे के आदमी हैं। वो एक तरफ रघुनाथ राव से मिलेंगे और दूसरी तरफ महाजी सिंधिया को हमारी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। महाजी सिंधिया? जी, मरहूम पेशवा ने उनकी सुबेदारी छीन ली। वो पेशवा से नाराज हैं। उत्तर के मामला देखते हैं, अगर उनको खरीद दिया जाए तो उत्तर में दिल्ली तक हमारा असर बढ़ेगा और पुणे की ताकत दो नहीं तीन हिस्सों में बढ़ जाएगी। कीजिए कोशिश, आपके भाईजान का भी ख्याल यही है। वैसे ख्याल बुरा नहीं है। Thank you.
श्रीमन की जय हो। यही है वालिया हैदराबाद दक्खन नवाब सलावत जंग के दूत श्री शिवाजी जाधव, जो आपसे गुप्त मुलाकात करने आए हैं। बैठ जाओ। कहिए। मैं एक राज की बात आपसे करना चाहता हूं, और यह बात मेरे और आपके दरमियान रहे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। पानीपत के बाद कोई भी लड़ाई नहीं चाहेगा। आप पेशवा को समझाएं कि निजाम की ताकत बहुत ज्यादा है, डरने का कोई फायदा नहीं। निजाम के जो इलाके लिए हैं वो लौटा दिए जाएं। एक दो शर्तें और मान लीजिए, निजाम की फौजें हट जाएंगी, खतरा टल जाएगा। मैं निजाम से ज्यादा मराठा राज्य के बारे में सोच रहा हूं। निजाम आपको पेशवा देखना चाहते हैं। आप पेशवा बन जाएंगे तो मराठा राज्य बढ़ जाएगा, नहीं तो ये 16 साल का लड़का अपने पिता की तरह निजाम से लड़ाई मोल लेकर इस राज्य को वहीं पहुंचा देगा जहां जाता है मुझे दिख रहा है। मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं। ये बात बहुत गंभीर है, किसी को पता चल गया तो? आप जरा सोच कर मुझे जल्दी बताइए, क्योंकि मुझे उज्जैन महाराज सिंधिया के पास भी जाना है। कब जाएंगे आप? आप हां कर दें तो मैं महाराज सिंधिया को तोड़ने की कोशिश करूंगा। वो टूट गए तो शायद आपका काम और भी आसान हो जाए। अब चलिए, मैं देखता हूं। श्रीमंत की जय हो। आओ भड़के बैठो। इतनी रात गए कैसे आए फटके? बड़ी जरूरी सूचना लाया हूं श्रीमंत। ये अफवाह सारे महाराष्ट्र में जंगल की आग की तरह फैल गई है कि जानको जी जिंदा हैं। उधर विसा जी माँ ने सात आंच में तपाकर नकली जानको जी को असली जानको जी बना रहा है। बस जब आप कहें थुरात का दावा दरबार में पेश किया जा सकता है कि वही जानको जी सिंधिया हैं। जीत हमारी है श्रीमंत। सरदार फड़के, ये काम तो हम जब चाहे कर सकते हैं। जल्दी काहे की है? मैं इस वक्त मराठा राज्य के कुछ बड़े कामों में उलझा हुआ हूं। जैसे फुर्सत मिलेगी मैं तुम्हें खबर करूंगा। शायद श्रीमंत को अब महाजी सिंधिया के खिलाफ दिलचस्पी नहीं रही। नहीं, ये बात नहीं है। मैं तो महाजी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हूं, और जब तक उसे तबाह ना कर लूं मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं वादा करता हूं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन खुलम खुला नहीं। अब तुम निश्चिंत होकर जाओ, मुझे और भी काम करने हैं। गहरे विचारों में खोए हो। कौन आया था? कोई नहीं फड़के। पहले भी तो कोई आया था, उससे पहले? ये हार कैसा है? जैसे होते हैं। तुम्हारे पास हारों की कमी है? ये खास है, वही देकर गया था। कौन? वही जो तुमसे मिलने आया था। नहीं बता रहे ना हमें, हमें मालूम है। क्या? निजाम का आदमी है, पहले हमारे पास ही तो आया था।
ये उसने? अवध की बेगमो का है, हैदराबाद के निजाम की रिश्तेदारी है ना, उनके पास आ गया, वहां से मेरे पास। निजाम का वकील तुम्हारे पास? जो तुमसे मिलने आएगा मेरे पास होकर ही तो आएगा। कहां मिलना चाहता हूं? मैंने कहा मिल लो। बोला नजराना, मैंने कहा हां। बोला कैसा? मैंने कहा जो नजर में चढ़े। बोला कैसे चढ़ेगा? मैंने कहा इस जोड़ी पर चढ़ना है और उस काम के लिए जिसके लिए तू आया है, तो ऐसा ला कि नजर न ठहर सके। और तुमने मेरे पीछे ये हार ले लिया? तुम भी तो मेरे पीछे उसे मिल लिए। जब मैं लूंगी तभी तो तुम लोगे, क्योंकि मैं ही हूं जिसने तुम्हें लेने की ललक जगाई है। वरना तुम तो भाई और भतीजे के टट्टू बन के पावज की गिलोरियां खाते रहते। आनंदी, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? क्या नहीं जानती? मैं ये भी जानती हूँ कि एक माने हैं विसाजी और एक विठल जी हैं थोराब। जब दोनों मिल जाएंगे तो जान कुछ खड़ा हो जाएगा। ये तुम्हें बताया तुम्हारी सहेली फरके की औरत ने? बात जानना चाहो सब बता देते हैं, जैसे तुम बताओगे। क्या करोगे निजाम के साथ? लड़ूंगा, लड़ना तो होगा। लड़कर क्या होगा? अब्दाली से लड़े, पेशावर तक खदेड़ दिया, उसके बेटे को क्या मिला? और अब उस पेशवा के बेटे के लिए लड़ोगे उस निजाम के साथ जो इस हक में है कि तुम पेशवा बनो? मैं तुम्हें पेशवा देखना चाहती हूं, जब भी, जैसे भी, जिस तरह भी। मट्टल ने तो इस घड़ी को। महाजी सिंधिया की जय। 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 आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं? आप में से कोई एक आदमी बताए कि बात क्या है। आप बताइए। 8 कोस दूर गांव में महाराज खेती बाड़ी करते हैं। गांव में डाकू आए, सब कुछ लूट कर ले गए, झोपड़े खेत खलियान सब जला दिए, कुछ नहीं बचा महाराज। ऊपर से साहूकार कर्ज मांगता है, बेगार में मुफ्त काम करवा रहा है। हमको 2 मुट्ठी आटा देते हैं, हम बच्चों को कैसे पालें? हम झोपड़े कैसे बनाएंगे, जाड़ा आने वाला है। ओढ़ने बिछाने के जो कपड़े थे वो भी जल गए। बहुतों के तो गाय बैल भी जल गए महाराज। लेकिन आप लोग सिंधिया जी महाराज के पास क्यों आए? पेशवा जी के कारकुनों के पास जाइए, अब वो ही इनकी जागीरों के कर्ता धर्ता हैं। अगर वे सुनते तो हम यहाँ आते महाराज, वो तो उल्टे माल गुजारी मांग रहे हैं। लेकिन रानी खान जी, अच्छे वक्तों में इन्होंने हमें माल गुजारी दी है, इनके बुरे वक्तों में इनकी मदद करना हमारा फर्ज है। आप लोग बैठिए, अंदर से कुछ लेकर आओ, इन्हें खिलाओ पिलाओ। जो हुकुम। और भाई सरकार से कुछ धोतियां लेते आना इन्हें देने के लिए। जी महाराज। आप लोग बैठिए। और आने खान, आज फिर उंगली काट गई, क्या होता है तुझे? मेरे मुंह से बोल निकला नहीं और तू फौरन काम करने लगती है। मांगा नारियल, उंगली काट लाई। लो लो खाओ। ऐसी क्या आफत है? मेरी सेवा में तुझे अपनी सुननी रहती? हाँ, ये लीजिए भाभी सरकार, चाबियां, आधा बक्सा खाली हो गया। गांव वालों को कितना दिया? हर एक को 500-500, 20,000 दिलवा दिए, उनके लिए भी जो साथ नहीं थे। उधर से उधार लेकर आते हैं, इधर बांट देते हैं। बक्सा आप ही खोलिए और आप ही बंद कीजिए। क्यों भाई,
क्या बड़बड़ा रहा है ये? हमारे यहां इसको कहते हैं अपना रोजा टूटा नहीं, जहान में अफ्तारी बांटने चले। क्या कहा रानी भाई, जरा समझाना। भाभी सरकार, हम लोग रोजा रखते हैं, अफ्तारी वो होती है जिससे रोजा खोलते हैं, और ये उस अफ्तारी को दूसरों में बांट देते हैं। गांव वाले आ गए रोते पीटते, थमादी रकम उनके हाथों में, ये भी नहीं पूछा कि वो सच कह रहे हैं कि झूठ, बस बन गए हातिम ताई। राने खान, हातिम ताई ही नहीं, तुम्हारे महात्मा राजा हरिश्चंद भी है, कोई छलनी भी आए तो दान दे देते हैं। ये दान नहीं था चमना, मदद थी, बेचारे मुसीबत में थे। जो भी मुसीबत में होगा आप उसकी मदद करेंगे, आपको क्या पता वो सचमुच मुसीबत में है या नहीं। हम मुसीबत में हैं, क्या हमारे माथे पर लिखा है कि हम मुसीबत में हैं? हमें भी झूठा समझ सकते थे, फिर भी अहिल्या बाई और उनके साहूकारों ने हम पर यकीन किया, हमारी मदद की, हमें भिखारी नहीं समझा। इस दुनिया में कौन भिखारी नहीं है, सब किसी ना किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, छोटे भी और बड़े भी। इसलिए जो हमारे सामने हाथ फैलाए हमें उसके हाथ पर कुछ रखना चाहिए। यह भगवान ने अच्छा किया है, किसी ने हमें दिया, हमने किसी को दिया, ना हम छोटे रहे और ना वो बड़ा रहा। क्यों? आओ भोजन करें और शुक्र करें भगवान का कि जो भोजन हमारे पास है वो दूसरों के पास भी है। दया धर्म इसी को कहते हैं, तुरत दान महाकल्याण। आओ। सुरक्षा दल का सरदार कौन है? मैं हूं हुजूर। देखो ये 14 लाख रुपए हैं जो सिंधिया जी महाराज ने राजपुताना से वसूल किए हैं। आपको अंबाजी इंगले के निगरानी में इन्हें पुणे ले जाना है और पेशवा जी महाराज के खजाने में जमा करना है, लेकिन अपनी जान से ज्यादा इसकी हिफाजत करना। आप निश्चिंत रहें हुजूर, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। शाबाश शाबाश। यह खत श्रीमंत माधवराव पेशवा के लिए है और यह सिर्फ उन्हीं को देना। उन्होंने पांडुबात्रे से कहा था कि उन्हें हमारी जरूरत पड़ सकती है, और यह बात बिल्कुल खौफिया तौर से कही गई थी। जी सेनापति सरकार। मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, तुम्हें क्यों भेज रहा हूं, यह बात इस खत में समझा दी गई है। उनसे प्रार्थना करना कि अगर जान को जी जिंदा है तो हम अपना दावा वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कोई षड्यंत्र है तो उसका भांडा फोड़ कर आए अपने जासूसों के जरिए। सेनापति जी, ये काम सिर्फ मैं और नाना फड़नवीस कर सकते हैं, क्योंकि पुणे में बहुत कम लोग हैं जो जान को जी को जानते होंगे। मैं श्रीमंत से कहूंगा। लेकिन सबसे पहला काम चौथ जमा करवानी है पेशवा खजाने में, एक एक पाई का हिसाब लेना है और रसीद लेनी है, याद रखना। सेनापति निश्चिंत रहें। नमस्कार। आप क्यों नहीं जा रहे, इन्हें क्यों भेज दिया? चमना, वो होलकर काका से बात करने के बाद इरादा बदल दिया है। होलकर काका से? देख रही हूं ये होलकर काका का रंग कुछ ज्यादा ही चढ़ने लगा है। ये क्या कह रही हो तुम? इनके सहारे ना रहिए ज्यादा, इन्हीं के आश्रय दत्ताबा मुरारी घाट की लड़ाई में इंतजार करते रहे
और मारे गए, पर वो नहीं आए, हालांकि बुलाया था। जमुना, दत्तावा ने पहले बुलाया था, फिर खुद मना कर दिया था, क्योंकि पंजाब से मदद आने वाली थी। बहुत अच्छी कहानी गढ़ते हैं आपके काका साहब। पानीपत में भी गढ़ी थी, स्त्रियों को बचाने के बहाने खुद वहां से हट गए। ये गलत है, उनके बारे में गलत फहमी है ये। मैं खुद वहां था और फिर उन लोगों ने मुझसे कर्ज के रुपये तक नहीं लिए। खरीद लिया है आपको, रोक लिया पुणे जाने से और खुद चले गए। जमुना, ये तुम क्या कह रही हो? जमुना बिल्कुल ठीक कहती है बेटे। माँ साहब आप भी? यही वक्त था पुणे जाकर खुद चौथ जमा करने, पेशवा से मिलने और निजाम के खिलाफ लड़ने का। अब वो जाएंगे, निजाम के खिलाफ लड़ेंगे, सूबेदारी उनको मिल जाएगी और आपको क्या मिलेगा? हम लुट जाएंगे और वो बन जाएंगे। मैं तो खुद जानकोजी और रघुनाथ राव की वजह से पुणे नहीं जा रहा हूँ। और होलकर ने कह दिया कि ये सही है, इसलिए कि उनका मतलब पूरा हो गया। अब पुणे में जरी पटका होलकर का उठेगा, सिंधिया का नहीं। कहा होगा अहिल्याबाई से, अपनी उस हरकूबाई से कि रुपए मत लो, बस कह दो पुणे ना जाए। जिन्हें नहीं जानती उनके बारे में इल्जाम मत लगाओ जमुना। वो क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हम औरतें वो जानती हैं जो मर्द नहीं जानते। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारे लिए तुम ही हो और तुम्हें ग्रहण लगा हुआ है। तुम्हें निकलना है इस ग्रहण से, जितनी जल्दी हो सके, जैसे भी हो। और होलकर जो खुद ग्रहण में फंसा हुआ है, तुम्हें सही सलाह नहीं दे सकता। इंदौर मैंने इन्हें भेजा था, पर मदद लेने के लिए, उनकी मदद करने के लिए नहीं, जिनका काम ही सदा रहा है नदी पार करना, अपने पैर भिगोए बगैर और दूसरों के पैर भिगोकर। मैं ऐसा नहीं समझता। महाराज, भाई सरकार ने आपको भोजन के लिए याद किया है। तुम चलो, हम आते हैं। जो आ गया। दो बार बुलाओ आ गया, चलकर कुछ खा भी लो। अरे जब कुछ नहीं सूझता तो यहां आकर जिंगिया की सेवा में लग जाते हो, खिलाते पिलाते हो, पर इससे मसला हल थोड़ा ही होता है। आप भी कुछ खा लोगे, भाई सरकार भी कुछ खा लेगी। राने खान, मां साहब और तुम्हारी भाई सरकार ने क्या कहा सुना तुमने? सुना, सब सुना। लेकिन महाराज, आमने सामने खड़े हो तो एक जैसा नहीं दिखता। आपको उधर का दिख रहा है और मुझको इधर का दिख रहा है। भाई सरकार के साथ भी यही बात है। यहां से पुणे जाने को कहकर निकले थे और वहां जाकर इरादा बदल लिया। अब वो तो यही सोचेंगे ना कि होलकर जी महाराज ने आपका इरादा बदला। अहिल्याबाई और हरकूबाई पर इल्जाम लगाना अच्छा नहीं है। उनके कितने एहसान हैं हम पर, तुम तो जानते हो। आप पर, इसलिए आप ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन उन पर नहीं है, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको छीन लिया। स्वभाव है आदमी का महाराज। महाराज, अगर वो किसी गैर मर्द की तारीफ करे तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा महाराज? यह जिंगिया मुझे कितना अपना समझता है महाराज। एक बार इसके सामने किसी दूसरे बैल के सर पर हाथ फेर दिया, बस सिंग लेकर पड़ गया मेरे पीछे। महाराज, आदमी जितना बड़ा हो जाता है उतना ही लोगों से उसका वास्ता पड़ता है, लेकिन घर वालों के लिए तो पराया है ना। इसीलिए घर वालों को समझने के लिए उन्हीं की तरह सोचना पड़ता है महाराज। जब मैंने जिंगिया को लिया था ना महाराज, तो ये सिंग लेकर मारता था मुझे और मैं सेंटी से मारता था। जब मैं बैल बनकर सोचने लगा तब कहीं जाकर ये काबू में आया महाराज। कहना क्या चाहते हो तुम? वो जो भी कहे मैं सच मानूं, खुद कुछ ना कहूं? नहीं नहीं महाराज, मेरा ये मतलब नहीं था। आप मुझसे कहा कीजिएगा,
बेबस लोगों को नहीं देखा आपने? चुपचाप रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, लगता है हवा से बातें कर रहे हैं। इसीलिए आप मुझसे कहा कीजिएगा महाराज। देखिए, लड़ाई लड़ी जाती है ठोस फायदे हासिल करने के लिए। स्वर्ग के सदाशिव भाव ने निजाम पर जीत हासिल की, उसे हराया, पर अंजाम फायदा निजाम औरंगाबाद में है और हमारे सामने है जीत के बाद जो सलाह हुई वो सुलेनामा। श्रीमान, आपका मतलब क्या है? निजाम से हमें क्या मिला? किले देने थे, 15 लाख सालाना देना था, नहीं दिया उसने। क्या कर सके हम? फिर वो क्या कर लेगा अगर हम सुलह कर लें और 2 साल बाद वही करें जो उसने किया, सुलेनामे को फाड़ फेंके। बिल्कुल सही। इस वक्त जब हम ताकतवर नहीं तो क्यों लड़ें? जब मजबूत होंगे तो लड़ेंगे। लेकिन ये आपने कैसे मान लिया कि हम कमजोर हैं? हम सेनापति हैं, पेशवा का काम हम संभालते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि हम कितने कमजोर और कितने ताकतवर हैं। समझौते के हक में हैं आप लोग? जी। तो हम आपकी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। पंखा नहीं चाहिए हमें, जाओ। सुनो, आई साहब से कहना जल्दी आए, हमें बाहर जाना है। आयुष्मान भव, क्या बात है? आप बैठिए। क्या हुआ माधवा? मैं 16 साल का हूं, मेरी मसे नहीं भीगी। मेरे सलाहकार नाना फडणवीस हैं, उन्होंने आपसे यही कहा था ना? और आपका खत, आपके खत में यही लिखा था ना कि मैं उनकी बात मानूं, क्योंकि वो काका साहब हैं। 5 साल तक पेशवा वो है, मैं नहीं। अगर इस राज को कोई बचा सकता है तो सिर्फ वो है। बचाने दू उन्हें जिस तरह से वो बचा रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हो तुम? पूछ रहा हूं आपसे, आपसे पूछ रहा हूं। आप जो के माता है, राज माता है इस राज की, और जन्म दिया है मुझे जगन्नाथ को, जगन्नाथ जिसके हाथ कटे हुए हैं, जो ये देख सकता है कि उसके कटे हाथ किसी और के हाथ में है और वो उनमें कलम देकर लिखाए जा रहा है। जो लिखा तो कागज पर जाएगा पर गूदा रहेगा हमारे माथे पर, हमारे पूरे तन पर, पूरी जिंदगी हाथ पर नीली गुदाई की तरह। कौन गूद रहा है, कौन लिख रहा है? छत्र छाया में है हम और आप जिनकी, हमारे काका साहेब हैदराबाद के निजाम के साथ सुलह करने जा रहे हैं। सुलह? और वो लड़ाई? कौन सी लड़ाई, कैसी लड़ाई, किसकी लड़ाई? हैदराबाद के निजाम से। पर जब ये मान लिया गया है कि लड़ाई करना बेकार है तो लड़ाई किस लिए, किस लिए? बचो बचो। राने खां, मारो इस तरह, पेट पे मारो, पेट पे मारो, पेट पे मारो, हाँ हाँ, सर पर, हाँ मारो सर पे, मारो सर पे, मारो अभी, ये हाँ, पैर पे मारो, पैर पे, ये राने खां, तलवार हाथ से गिरना सिपाही की हार है, चलो उठाओ, शाबाश, जरा मजबूती से पकड़ा करो। चलो चलो राने खान, चलो। हाँ
इस तरह, इस तरह ये मारा जाता है और ये इस तरह काटा जाता है। मारो ऐसे करके, मारो ऐसे ऐसे ऐसे, सर पे मारिए, सर पे ये, अब कमर पे, कमर पे मारिए, सर पे मारिए फिर से। शाबाश, संभालिए, संभालिए, हाँ शाबाश, हाँ ये। चलिए, ये लीजिए उस्ताद जी। अच्छा किया आज आपने। अच्छा राने खान, नमस्कार। राने खान आप ही हैं सेनापति महाजी सिंधिया के सलाहकार? जी हाँ, मेरा ही नाम राने खान है। और आप? जी मेरा नाम शिवाजी जाधव है। अच्छा, मैं हैदराबाद दक्खन से आया हूँ, सेनापति महाजी सिंधिया के दर्शन करना चाहता हूँ। वो तो बाहर गए हैं, रात को आएंगे। दरअसल मैं दूत हूँ दक्खन के निजाम नवाब सलाबत जंग आसिफ जाह का। अच्छा अच्छा अच्छा, कहिए क्या काम है? नवाब साहब को गम है कि पानीपत में सिंधिया परिवार की बहुत हानि हुई है। उन्होंने शोक संदेश भेजा है और यह भी कि वे सेनापति महाजी सिंधिया को ही वारिस मानते हैं और इस हक में हैं कि उनकी सूबेदारी फौरन बहाल कर दी जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप ये बात कहने के लिए इतनी दूर से आए, बड़ी खुशी हुई। नवाब सलाबत जंग बहुत अच्छे इंसान है, मैं एक मराठा हूं फिर भी वो मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। मराठा और मुसलमान में जरा भी भेद नहीं करते। अच्छा करते हैं, जो दूसरों की अच्छाई नहीं देखता, जात देखता है, वो अपना ही नुकसान करता है। अपनी जात वालों को देखो और दूसरे जात वालों की अच्छाई ना देखो तो अपनी जात वालों का खोट ही हाथ लगता है, दूसरी जात वालों का सोना नहीं मिलता। तभी तो निजाम साहब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। वे महाजी महाराज को फिर से आगरा और अजमेर का सूबेदार देखना चाहते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हम ये बात महाराज तक पहुंचा देंगे। लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, मुझे खत देना है उनको। तो ठीक है, शाम को पूजा है, तब आप आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, नजराना आपका। शाम को आप मिलेंगे उनसे, उन्हीं को दे दीजिएगा। आपके लिए है, रख लीजिए। भाई हम तो बस महाराज से लेते हैं जो वो हमें अपने खजाने में रखने के लिए देते हैं। उनके लिए और है, आप रखिए ना। हम क्या करेंगे भाई, जब मशक लेकर चलते थे तब भी इतना ही काफी था, दो वक्त की रोटी पेट भरने के लिए और थोड़ा सा चारा अपने बैल के लिए, बस काफी था जीने के लिए। वाह, आप जैसे इंसान कहां मिलेंगे जिन्हें बस इतना ही चाहिए। आदमी को क्या चाहिए, ईमान की रोटी और इज्जत का कपड़ा, वरना हलक से उतरा मिट्टी, तन से लगा हुआ कपड़ा छीतड़ा होता है। मैं भी बस यही समझता हूं, यहां इसीलिए तो आया हूं। तो बस शाम को पूजा है, आप आ जाना, हमारे सिंधिया महाराज को हीरा पाएंगे, हीरा। मैंने हीरा तो नहीं देखा है, उन्हें देखा है, आप भी देखेंगे, देखते रह जाएंगे। आइए चलिए। कष्टप्रद कर्तव्य हमारा, भक्त शीर्ष आशीष तुम्हारा, क्षेम सुरक्षित जीवन सारा, कठिन है
हाँ गुरुजी, ये कैसा लगेगा? प्रयत्न कर्म प्रयास हमारा, मिले भगत को अभय तुम्हारा, कुशल होवे जन जीवन सारा। सुंदर, अति सुंदर, अर्थपूर्ण। सफल हो सगरे काज हे महाराज। जय जय गणेश, जय जय भोगेवा, जय जय गणेश, जय जय भोगेवा। करता दुख हरता दाता, सुख करता दुख हरता दाता, आदि अंत का तू निर्माता, आदि अंत का तू निर्माता। सिद्धि बिना भाग्य विधाता, सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक भाग्य विधाता। जय जय गणेश, जय जय भोलेनाथ, तीन लोक तेरा राज हे महाराज। Thank you.
निरंजन मंगलमूर्ति मंगलमूर्ति कला निरंजन तन मन धन है तोहे समर्पण तन मन धन है तोहे समर्पण यश कीर्ति वर दीजो गजानन यश कीर्ति वर दीजो गजानन तीन लोक तेरा राज हे महाराज जय जय गणेश जय जय कर्म प्रयास हमारा प्रयास हमारा मिले भगत को अभय तुम्हारा मिले भगत को अभय तुम्हारा कुशल होवे जीवन सारा कुशल होवे कुशल होवे जन जीवन सारा सगरे काज हे महाराज जय जय गणेश जय जय हो देवा जय जय गणेश जय जय हो देवा जय जय गणेश जय जय हो देवा जय जय हो देवा जय जय गणेश आओ आओ रानी खान प्रणाम महाराज ये निजाम के दूत हैं आपसे मिलना चाहते हैं निजाम के दूत जी लेकिन इस वक्त जबकि पेशवा जी और निजाम के बीच लड़ाई चल रही है इनका कहना है निजाम आप ही को सूबेदार मानते हैं और निजाम का पैगाम भी आपके लिए लाए ठहरो महाराज का खाना कौन सा है जी ये है ये महाराज का हुक्म है याद रहे ये कंकर पत्थर वाला खाना सिर्फ मेहमान के लिए जी और ये महाराज के लिए जो आ गया जाओ Thank you.
तुम इनको लेकर आओ राने खान, हम चलते हैं। जी बहुत अच्छा। आपके महाराजी महाराज इन बर्तनों में खाना खाते हैं? ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कंकर पत्थर हो? हमारे यहां निजाम साहब तो सोने चांदी और जवाहरात से जड़े बर्तनों में खाना खाते हैं। खुद हमारे घर में भी सोने और चांदी के बर्तन हैं। आपके यहां पूजा की थाली में तांबे का सिक्का डाला जाता है? हमारे यहां तो चांदी का डालते हैं और खास पूजा हो तो सोने का। यहां तो ऐसे ही होता है। ऐसा पहले से ही है या सूबेदारी जाने के बाद हुआ? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। तो अपने महाराज से कहिए कि वे निजाम से मिल जाएं। सूबेदारी मिलने के साथ साथ हवेली की हालत भी सुधर जाएगी। सोने चांदी के बर्तन आ जाएंगे, छत पर भी चांदी लग जाएगी। सही कह रहा हूं? हाँ? अब मैं क्या कहूं, आप खुद ही उनसे कहकर देख लीजिए। आइए। महाराज बैठिए। तो आप निजाम के दूत हैं? जी महाराज। क्या नाम बताया आपने अपना? शिवाजी जाधव। जाधव? निजाम के एक सिपहसालार का नाम भी जाधव है? जी, रामचंद्र जाधव, चंद्रसेन जाधव के पुत्र हैं। वो सिपहसालार हैं। ओह, आप उनके कुछ लगते हैं? जी, मैं उनका भतीजा हूं। हमने जो आपको भोजन खिलाया था, कंकर और पत्थर मिलाए थे उसमें, जानते हो क्यों? इसकी वजह है आपके काका रामचंद्र जाधव और उनके पिता चंद्रसेन जाधव। जब भी उनका नाम आता है, मराठों को लगता है कि खाना खाते वक्त उनके मुंह में कंकर आ गए। वो उनके नाम के कंकरों को निकालकर फेंक देते हैं, क्योंकि वो पेशवा को दगा देकर निजाम के हाथों बिक गए थे। और आप जो हमें खरीदने आए हैं, उन्हीं गद्दारों की तीसरी नस्ल है। लेकिन महाराज, गनीमत समझो कि हमने आपको सिर्फ पत्थर खिलाए, मारे नहीं। हमारे एक कमांडर हुआ करते थे इब्राहिम खान गार्दी, पानीपत में उन्होंने एक को 1000 अशरफी जो आप ही की तरह उन्हें खरीदने आया था। इनको कबूल फरमाइए और जिस लानत में आप फंसे हुए हैं उसे निकल लीजिए। फिर इसके बाद जितनी दौलत और जो भी मर्तबा आप चाहें आपके कदमों में होगा। किसकी तरफ से लाए हो? शहंशाह अब्दाली और नजीब खान की तरफ से। ओ गद्दार, उस अब्दाली का मुखबिर है जो इस मुल्क को लूटने और कत्ल गारत करने आया है। सिपाहियों, चले जाओ और तोप से उड़ा दो। मैं तो सिर्फ एक दूत हूं, बस ये खबर देने आया था। शिवाजी जाधव,
जिस कोयले की खान में तुम गिरे हो उसमें हमारे साथ साथ हमारे रानी खान को गिराकर हमारे हाथ मुंह काले करने आए हो। हम होलकर महाराज का मालवा ले लें और तुम्हारे निजाम के साथ मिलकर उसके कदमों में पेशवाजी का सर झुका दें। उन पेशवाजी का जिनके दम से मराठों के सर गर्व से ऊंचे हो जाते हैं, जिस पुणे की तरफ पूरा महाराष्ट्र ऐसे देखता है जैसे चढ़ते सूरज को देखते हैं, उस सूरज का सोना लुटवाकर अपने घर में चार चांदी के बर्तन जमाकर तुम्हारी नजरों में अमीर हो जाए और अपनी नजरों में निजाम के गुलाम। ले आओ तुम्हारा चांदी का सिक्का, उठाओ। पढ़ो इस पर क्या लिखा है। इस पर लिखा है नवाब सलावत जंग आसिफ जा। अब हमारा तांबे का सिक्का उठाओ। पढ़ो इसे, देखो इस पर क्या लिखा है। इस पर हमारा नाम लिखा है, जय खांडोबा सिंधिया सरकार। तुम्हारा खानदान जिन सोने और चांदी के बर्तनों में पानी पीता है उसमें निजाम का चेहरा नजर आता है, और हमारे सिक्कों में हमारा चेहरा नजर आता है। ये हमारी पहचान है जिसे हम बेचने के लिए तैयार नहीं। जाकर बता दीजिए अपने उस निजाम को। आपका जवाब मैं हुजूर निजाम साहब तक पहुंचा दूंगा। आपने मेरे पुरखों को गद्दार कहा, दूत हूं इसलिए जवाब नहीं दूंगा, लेकिन सूबेदार बनना है तो आपको निजाम साहब की तरफ आना होगा। पुणे में इस वक्त दो पेशवा हैं, एक आपको सूबेदार बना नहीं सकते, दूसरे बनने नहीं देंगे। हम रानोजी सिंधिया के बेटे हैं और उनकी सूबेदारी तो हम लेकर रहेंगे, लेकिन इसके लिए किसी दूसरे को या किसी बाहर वाले को नहीं बुलाएंगे हम, क्योंकि जो बाहर वालों को बुलाता है वो जयचंद और नजीब की तरह अपना घर लुटा देता है। वो अपने नाम के पहले गद्दार और अपने माथे पर गुलाम लिखा बैठता है। राने खान जी महाराज, इनके सिक्के इनको वापस कर दो, और वो भी जो इन्होंने पुजारी लेते हैं या फिर लड़ाई के हर जाने के रूप में। कर लिया सर में दर्द, उड़ा ली रात की नींद। कितनी मुश्किल से तो सो पाए थे आप, फिर उठ गए। जमना तुम अंदर जाकर सो जाओ, मैं यहीं बैठूंगा।
सो नहीं पाऊंगा। सो पाऊंगी मैं? क्यों इतना क्रोधित हुए? क्यों इतना बुरा भला कहा उसे? बैठे बिठाए निजाम से दुश्मनी मोल ले ली तो क्या करता? दोस्ती कबूल कर लेता उनकी पेशकश, बन जाता गद्दार जैसे कि जाधव। कहने के और भी कई तरीके थे। क्या कहता? वो लोग मुझे खरीदने आए थे, मुझे बताने आए थे कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, और मैं उन्हें मुजरा करता, जी हुजूरी करता उसकी और उसके निजाम की। मुझे समझा क्या है इन लोगों ने? पर मैं तो ठीक समझती हूं ना। अब आप अपने को नहीं समझते। कभी कितने शांत थे, कितने ठहरे हुए, मुंह से एक बात ऊंची नहीं निकलती थी, और अब? हाँ, अब मैं वो नहीं रहा जो था, क्योंकि मुझे रहने नहीं दिया गया। क्या है जो मैंने नहीं देखा? एक नहीं दो दो हारें देखी है, एक बुरारी घाट में और एक पानीपत में। अपने सारे भाइयों को मरते हुए देखा है, जब्त होते सुनी है अपने कानों से अपने खानदान की इज्जत, खुद को साहूकारों के सामने हाथ फैलाते देखा है। गिराया गया था आपको, पर आज आज आप खड़े हैं अपने पैरों पर। कहां खड़ा हूं जमुना, क्या खड़ा हूं? फौज खड़ी की, राजपुताना से चौथ वसूल की, सोचा था कुछ बन जाऊंगा, लेकिन मेरे रास्ते में खड़े हैं सुबरदार रघुनाथ राव, सुबेदारी के दावेदार कोई एक जान को जी, और मेरे खरीदार निजाम और जाधव। मैं क्या हूं, क्या हूं मैं? मैं बताती हूं। हाँ? तू जब पैदा हुआ था सूर्य ग्रहण लगा था और उग्रहण हो रहा था। जोशी जी ने बताया तुझ पर राव की छाया रहेगी, ग्रहण लगते रहेंगे तुझे। तेरे साथी भी वही होंगे जिन्हें ग्रहण लगा है। तू उन्हें ग्रहण से निकालेगा, उसी से तेरा उग्रहण होगा। तू सूरज की तरह चमकेगा और चमकाएगा। लेकिन ये बात आपने पहले कभी नहीं बताई। आज भी नहीं बताती। अगर वो खबर ना आती जो सुबह मिली, पर मैंने बताई नहीं। खबर? कैसी खबर मां साहब? रघुनाथ राव निजाम से सुलह कर रहा है, और तुमने जो चौथ पेशवा के खजाने में जमा करवाने के लिए भेजी उसे रघुनाथ राव ने जब्त कर ली। मेरी चौथ जब्त कर ली रघुनाथ राव ने? क्यों? आपको यह खबर कहां से मिली? होलकर महाराज से, उनका दूत आया था। दूत? कहां है वो दूत? इंदौर लौट गया। इंदौर? मुझे इंदौर जाना होगा, ये खबर अधूरी है, इसके पीछे जरूर कुछ छुपा है। मुझे इंदौर जाना होगा मां।
नमस्कार करते भाई सरकार। सौभाग्यवती भव। आओ आनंदी, बैठो। कैसी हो आनंदी? ये क्या तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं पांव पकड़कर कहती हूँ भाई सरकार, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पुणे से चली जाइए और साथ अपने श्रीमान पेशवा जी को भी लेती जाइए। क्यों, क्या हुआ? अभी कुछ हुआ नहीं, पर जब से सुना है कलेजा काबू में नहीं। कितना रोका, कितना समझाया, पर नहीं रुका। बस पालकी ली और चली आई। क्या सुना आनंदी? हैदराबाद से जासूस आया था, आपके देवर से कह रहा था निजाम ने कसम खाई है उत्कीर की हार का बदला आपसे और अपने पेशवा जी से लेगा। हमसे क्या, हमने क्या किया है? लड़ाई की शुरुआत तो उसी ने की थी। ये समय बहस में उलझने का नहीं है भाई सरकार। याद नहीं पानीपत में क्या हुआ था? नहीं आनंदी, नहीं, मत सुनाओ हमें वो सब कुछ, मत याद दिलाओ, हमारे घाव मत खोलो आनंदी। कहाँ खोल रही हूँ, मैं तो अपने घाव दिखा रही हूँ। अगर निजाम जीत गया तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, आपके देवर आत्महत्या कर लेंगे, मैं सती हो जाऊंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन राघुबा दादा सुलह की बात कर रहे हैं आनंदी। हाँ, पर कहाँ मानेगा वो, क्यों मानेगा, जबकि वो जानता है पानीपत में हमारे सारे सरदार भगवान को प्यारे होंगे। आपने हमारी बात मानी नहीं, पानीपत में उनको नहीं भाव और विश्वासराव को भेज दिया। अब के मेरी बात मानिए और जल्दी से यहाँ से चली जाइए, यहाँ आपके देवर हैं, लड़ाई कर लेंगे। नहीं, माधवा नहीं सुनेगा, वो तो सुलह को भी नहीं मानता। नहीं मानेगा क्योंकि वो स्वर्गीय श्रीमान पेशवा जी का खून है, ये खून बह जाएगा पर झुकेगा नहीं। बहने को अब खून रहा कहां, माधवराव है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। लेकिन उन्हें छोड़कर हम जाएंगे कहां आनंदी? जहां आपको और हमारे श्रीमान पेशवा जी को कोई छू न सके। मेरी क्या भाग्य है आनंदी, भाग्य हम पर छोड़ दीजिए, बस अपने को और हमारे श्रीमान पेशवा जी को बचा लीजिए। चलो मैं जाओ आनंदी, मैं माधवा से बात करती हूँ। भाई सरकार, बात हो गई, कह दिया सब कुछ। कह दिया, खुद ने तोड़ दिए, तब तक आधी छाती, दूसरे को तो निजाम खत्म कर देगा। एक बार पुणे छोड़कर चले जाए दोनों, किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे, पालतू बिल्ली की तरह तुम उठा के फिरेगा इनके पीछे पीछे, समझी? जी भाई सरकार। Yeah.
प्रजापालक राज राजेश्वर राव, श्रीमंत माधव राव पेशवा जी महाराज दरबार में पधार रहे हैं। बैठिए। दरबार या तो हम बुलाते हैं या तो जब आप हमसे कहते हैं, लेकिन आज आपने सीधा बुलवा भेजा। हम जानना चाहते हैं ऐसा क्यों। हम भी कुछ बातें जानना चाहते हैं। आज जब निजाम की फौजें पुणे तक पहुंच गई हैं और उसके बाहरी इलाकों को आग लगा रही हैं, सारे सेनापति एक होकर उसका मुकाबला कर रहे हैं। आपने कुछ बातें जानने के लिए हमें यहां बुलाया? हाँ, हम जानना चाहते हैं कि निजाम को पीछे ढकेलने के लिए पूरी ताकत से हमला क्यों नहीं किया गया। आई साहब से यह क्यों कहा जा रहा है कि हम और वो पुणे छोड़कर चले जाएं? क्या? आपकी आई सरकार से कौन कह रहा है, बताइए हमें। श्रीमान, अगर परिवार में कोई किसी से कुछ कहता है तो बात दरबार में नहीं उठाई जा सकती। श्रीमन, पढ़के सही कह रहे हैं। हमारे मन की बात कही है इन्होंने। श्रीमन, आप और बाई सरकार हमारी आन और शान हैं। हमें चाहे कुछ भी हो जाए पर आप और बाई सरकार सुरक्षित रहना चाहिए। जी हाँ श्रीमन, बाई सरकार और आपको किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। नहीं, पुणे छोड़कर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, लड़ेंगे और जरूरत हुई तो खुद कमान संभालेंगे। यह फैसला श्रीमंत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम नाबालिग हैं अब श्रीमंत। वसीयत के मुताबिक पेशवा के अधिकार हमारे पास है। हम सेनापति हैं और हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने सेनापतियों की सलाह से कर रहे हैं। श्रीमंत, हम इसमें शरीक नहीं हैं। बाबूराव नायक ठीक कहते हैं श्रीमंत। और श्रीमंत, मैंने निजाम से सुलह करने का विरोध किया है। यही हम जानना चाहते हैं, सुलह की बातें क्यों की जा रही है, शर्तें हमें क्यों नहीं बताई जा रही, पुणे आने पर भी मल्लारा होलकर को लश्कर में क्यों नहीं शामिल किया गया, महाजी सिंधिया ने जो चोट भेजी थी उसे खजाने में जमा क्यों नहीं किया गया, जब्त क्यों किया गया? श्रीमंत ने एक बार फिर महाजी की बात उठाई। श्रीमंत सुनिए, निजाम की ताकत पिछले 2 सालों में बढ़ी है। आपके पिता और हमारे भाऊ स्वर्गीय पेशवा जी की नीतियों के कारण हमारी ताकत घटी है। जीत जब संभव नहीं होती तब सर्वनाश से बचने का रास्ता सिर्फ सुलह और संधि है। सुलह की शर्तें तब मालूम होती हैं जब जीतने वाला तैयार होता है। होलकर पर आपको विश्वास होगा, हमारे सेनापतियों को नहीं। और महज जी, उन पर तो मुकदमा चलाना है, बिना अधिकारों के उन्होंने चौथ वसूल की है। महाजी सिंधिया पर मुकदमा चलाया जाएगा, जिसने अधिकार न होते हुए भी अपने बलबूते पर चौथ वसूल की और जिसने अधिकार होते हुए भी अदीना बेग से पंजाब की चौथ वसूल नहीं की, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इतना बड़ा लश्कर होते हुए भी निजाम को आने और हमें पुणे से भाग जाने के लिए कह रहे हैं? हम उसकी तरफ देखें जिसके हाथ में हमारा झंडा है और जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया? कर लीजिए सुलह, बचा लीजिए अपने को और हमें। लेकिन हम देख रहे हैं दक्षिण में कुछ तारे डूब रहे हैं तो उत्तर में एक तारा निकल रहा है और आप उसे निकलने देना नहीं चाहते, पर वह जरूर निकलेगा, ध्रुव तारे की तरह चमकेगा। Thank you.
नमस्कार। नमस्कार, बिराजिए। आप बैठिए। आपने कुछ खाया नहीं? भूख नहीं है अभी, फिर खा लूंगा। दोष मेरा ही है, मैंने ही वो खबर उज्जैन भिजवाई। मेरी चौथ पुणे में जब्त कर ली गई, ये खबर आपने भिजवाई थी, पर मां साहब ने मुझे बताया। होलकर महाराज ने मुझे खबर भेजी, मैंने आपको भेज दी। होलकर महाराज पुणे पहुंच गए हैं, पर रघुनाथ राव ने न उन्हें पेशवा जी से मिलने दिया, न दस्ते को लश्कर में शामिल किया। इंग्लैंड जी चौथ जमा करने गए थे तो उन्हें खजांची ने मना कर दिया और मोहरों के बक्से जब्त कर दिए। पेशवा जी को पता है, पर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। पुणे में मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। वो भजन बहुत अच्छे थे जो आपने भेजे। मुझे बहला रही हैं आप। भजन पूजन मंदिरों की परिक्रमा ये सब बहलाना नहीं तो और क्या है। तभी तो जब परेशान हो जाती हूं, घंटों पूजा में बैठी रहती हूं, छत पर चली जाती हूं और इंदौर को देखती रहती हूं। लेकिन आपके लिए ऐसा क्या है? आपने कभी बताया नहीं। अभी समय नहीं आया। अपने बारे में कुछ बताइए। मैं सूर्य ग्रहण में पैदा हुआ था। मैं चंद्र ग्रहण में पैदा हुई थी। मेरी मां ने बहुत कोशिश की ग्रहण की घड़ी टालने की, दाई को पास आने नहीं दिया, फिर भी मैं पैदा हो गई। किस्मत ने धरती पर पटक दिया। भाई सरकार, भाई सरकार, पंडित जी को बिच्छू ने काट लिया है। छोटी सरकार ने उन पर छोड़ दिया था। बिच्छू किस लिए? आते ही जी। अच्छा, अहिल्या भाई ये बताऊंगी, आपका दुख हल्का हो जाएगा। आप कुछ खा लीजिए, हम आते हैं। मौसी हरकू भाई आपको याद कर रही थी, उनसे मिलके जाइएगा। जी। बाई सरकार, सेनापति सिंधिया महाराज पधार रहे हैं। प्रणाम बाई सरकार। आशीर्वाद दो। रिश्ते में तो मैं तुमसे बड़ी हूं, लेकिन उम्र में पता नहीं छोटी हूं या बराबर की। इसलिए अगर मैं तुम्हें आशीर्वाद ना दूं तो काम चलेगा? जरूर चलेगा भाई सरकार, जरूर चलेगा। ये जो शब्द आशीर्वाद है ना, इसमें 5 अक्षर होते हैं और आपका तो एक एक अक्षर 1,00,000 का होता है। दक्षिण में जो आशीर्वाद कहा जाता है उसमें 6 अक्षर होते हैं, और पंडित जी जो मुझे पढ़ाते थे वो मात्राओं को अलग अलग गिनते थे, इस तरह कई अक्षर हो जाते थे। जब जरूरत हो तो अक्षरों को और मात्राओं को इकट्ठा करके मुझसे आशीर्वाद जरूर ले लेना। आपके आशीर्वाद में तो बहुत से अक्षर हैं, पर जिसे भाग्य कहते हैं उसमें 2.5 अक्षर होते हैं, और मेरे भाग्य के सारे अक्षर टूटे हुए हैं।
जब कुछ टूट जाता है, टूटने के दर्द का पता चल जाता है। मैं मथुरा गई थी, वहां पे कहावत सुनी, जाके फटी ना कभी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जो पीर जानता है वो बलवान बन जाता है। आपने काका साहब को भी इसी तरह मोहित किया अपने कवित्व से। आदमी को हर हाल में हंसते रहना चाहिए, पीड़ा पर, दुर्भाग्य पर। जो हंसना सीख जाता है वो कविता करने लगता है। सही कहती हैं आप। तुम भी कविता करते हो ना, अच्छे भजन लिखते हो। तुम्हारा एक भजन सुना, बहुत अच्छा लगा। बस यूं ही कभी कभी बहला लेता हूं अपने आप को। यूं कहो कि भाग्य बदल रहे हो, भजन लिखकर और भजन गाकर। जी भाई सरकार, जब भी उदास होऊंगा लगता है आप ही के पास आना पड़ेगा। जरूर आना। अहिल्याबाई का बेटा। अहिल्याबाई का बेटा? लेकिन ये तो पंडितों को, अहिल्याबाई तो इतनी धार्मिक है। दिन रात पूजा करती है वो, ब्राह्मणों को दोनों हाथों से दान देती है। धन इतना कि माता पिता और होलकर जी महाराज की संपत्ति मिलाकर कुबेर जितना। कुबेर कन्या कहते हैं तभी। लेकिन उनका बेटा ऐसा क्यों करता है? स्वर्गीय पेशवा जी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? रघुबा दादा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों खड़ा हुआ जानकू जी, और क्यों जब्त हुई तुम्हारी चौथ? आप ठीक कहती हैं भाई सरकार, आप ठीक कहती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? एक सवाल है जिसका जवाब या तो है या नहीं है। एक अंधे की लाठी है जो जिस पर एक बार गिरती है बस गिरती रहती है। सेनापति महाराज, अहिल्याबाई सरकार ने आपको बुलाया है, भोजन तैयार है। अच्छा, हम आते हैं। अच्छा, आज्ञा दीजिए, फिर दर्शन कर सकता हूँ। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, जब जी चाहे आ जाए करो, अच्छा लगता है। प्रणाम भाई सरकार। थके नैन रघुपति छवि देखे, पलक न्यू परिहरी निमेशे, अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरत ससिज बिनु चतुर चकोरी, लोचन मग राम ही उरानी, दीनु पलक कपाट सयानी, जब सिया सखिन प्रेम बस जानी, कही न सके कुछ मन सकुचानी। भाई सरकार, पुणे से महाराज का जासूस आया है, कोई संदेश है। मुझ पर मुकदमा चलाया जा रहा है। यह खबर आपको पहले ही मिल चुकी थी पर आपने उज्जैन नहीं भेजी क्योंकि आप परेशान हो जाते। मेरा माथा तो पहले ही ठनका था। मैंने मां साहब से भी कहा था कि ये खबर अधूरी है, इसके पीछे जरूर कुछ है। ये जानकू जी के होने या ना होने की बात नहीं है, इख्तियार के बगैर जो मैंने चौथ वसूल की है उस बात को लेकर यह मुकदमा चलाया जा रहा है। यूं तबाह किया जा रहा है मुझे। लेकिन ये भी तो आपने पढ़ा कि पेशवा जी इसके खिलाफ है, वो मुकदमा चलने नहीं देंगे। ये गद्दी नशीली वाले दरबार में मुझे सूबेदार तक नहीं बना सके, निजाम से सुलह तक नहीं रोक सके।
निजाम तो खुद रघुनाथ राव के साथ है और मैं उसे भी नाराज कर चुका हूं। पेशवा जी ये मुकदमा कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। अगर मुकदमा चला तो आप पर ही नहीं खोलकर महाराज पर भी चलाना पड़ेगा। वो भी तो आपके साथ थे। होलकर महाराज पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा अहिल्या बाई। रघुनाथ राव बहुत चालाक है। एक तो उन्होंने होलकर महाराज की सुबेदारी बहाल कर दी और दूसरे वो उनको मुझसे अलग करना चाहेंगे। एक बात बताना चाहती हूं, होलकर महाराज जी के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, पर वो सच नहीं है। नजीब को अपना बेटा कहा, उसका साथ दिया, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझ पर विश्वास है? बात आप पर विश्वास करने की नहीं है इंदिरा भाई, मेरी ही है। अगर आप पर विश्वास ना होता तो मैं यहां ना आता। मैंने कहा था मेरा दुख सुनोगे तो अपना दुख कम लगेगा। मेरा एक बेटा है। मत बताइए अहिल्या बाई, मत बताइए। रघु भाई सरकार ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं जब जी सकती हूँ ऐसे बेटे को लेकर, तो आप क्यों नहीं जी सकते उस सब के साथ जो आपके साथ हो रहा है? लेकिन मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, लांछन लगेगा। मुझे एक बात मानेंगे? हाँ हाँ कहिए। विश्वास के साथ लौट जाइए और पूरी हिम्मत के साथ रघुनाथ राव का मुकाबला कीजिए। लेकिन मेरे पास है क्या? बस एक फौज है। जिसके पास फौज होती है उसके पास क्या नहीं होता? उसके पास सब चल कर आते हैं। निजाम का दूत आया था ना आपके पास, क्यों आया था? पेशवा जी ने बुलाया था, क्यों बुलाया था? आप अपनी फौज को प्रशिक्षण दीजिए, बढ़ाइए। एक दिन पुणे में जो हैं, आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। सोंगी मुझे चुपते हैं। महाद इतने दिनों बाद इंदौर से लौटा है, वो क्या सोचेगा? कुछ भी सोचे, अगर वो अपने मन की कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकती। बेटी जब आदमी घर लौटता है और रात को औरत उसके सामने सज धज के ना आए तो उसे बुरा लगता है। लगा करे, ये अहिल्या बाई है जिन्होंने इनका दिमाग फिराया है रुपए देकर। इनकी नजर में भली बन गई है और ये उस पर चल रहे हैं जिस पर वो चला रही है। मुंह नहीं थकता उसकी तारीफ करते हुए। जानती हूँ माँ साहब, आप इस मामले में ना पड़िए। जहाँ पर आत्मसम्मान की बात होगी मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अरे माँ साहब, जम्मा कहाँ है?
अंदर है। क्या बात है, बहुत जल्दी सो गए। अरे तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ, कहीं बुखार तो नहीं? नहीं। अच्छा तो हमारी जमुना रूठी हुई है। आ भाई रूठी हुई है तो मनाना पड़ेगा। छोड़ो ना। अच्छा ये बताओ कहां से मनाना शुरू करें, कमल जैसे कोमल पैरों से या इस चेहरे से जो बादलों की ओट में छुप गया है? हाँ मैं जानता हूं जमुना, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और जो प्यार करता है वो या तो नहीं समझता या फिर गलत समझता है। मैं गलत समझती हूं? तू बताओ इंदौर अकेले क्यों गए? मैंने कहा पीर, मेरे पीर साहब की दरगाह पर चलो। नहीं वहाँ नहीं गए, इंदौर चले गए। मुझे क्यों नहीं साथ ले गए? क्यों जाते हो बार बार इंदौर? देखो जन्ना मैं वहाँ काम से जाता हूँ और जाता रहूंगा। हाँ इंदौर वाले आपके लिए सब कुछ होंगे। मेरे लिए मेरी मुश्किलें, उनका हल और सिंधिया परिवार का नाम ही सब कुछ है। अगर मुझे इंदौर वालों की मार्फत ये सब कुछ मिलता है तो मैं लूंगा। मुझे मालूम है न उनका कोई है न मेरा कोई है, और वो जो कुछ मुझे दे रहे हैं वो कोई दया नहीं है और ना ही वो कोई निजी दिलचस्पी है। वो तो एक लड़ाई है जो सांझी है, और एक साथ है जो दोनों को ताकत दे रहा है। मैं सब समझती। तुम कुछ नहीं समझती जमुना, कुछ नहीं समझती तुम। एक बात दिमाग में आ गई, मां साहब ने एक बात दिमाग में डाल दी, बस वही सच है। अगर तुम्हारे लिए यही सच है तो सुन लो, तुम भी दुनिया की तरह मेरी परेशानियां बढ़ा रही हो। जानको जी सिंधिया कब आएंगे? अभी आते हैं, तैयार हो रहे हैं। तुम लोग उनके लश्कर में शामिल होने के लिए आए हो? अच्छा तो ठीक है, सब लोग एक कतार में खड़े हो जाओ, और जैसे ही सेनापति जानको जी सिंधिया आए सब उनकी जय बोलना। ये नारा क्यों हाथ में रखा है, बांधते क्यों नहीं? तुम बांधो, जब सब कुछ बांध रहे हो तो। बाप का नौकर हूं ना तेरे, जानको जी के तो हो। थक गया हूं, छोड़ दूं। क्या कर रहे हो, सीधे खड़े रहो। कुदकुदी होती है, हैरान की जो चुक रहे हो इसलिए। पकड़ो, बाहर जो खड़े हैं उन्हें भेजता हूं, वो बांधेंगे। अरे नहीं नहीं, लेकिन लेकिन वो मुझे तो बाहर तुम ही ले जाओगे ना, और डेरे का पर्दा हटाकर कहोगे महाराज जानको जी की जय। बेटे जय तो तुम्हारी भी बोली जाएगी और मेरी भी, बस एक बार श्रीमत रघुनाथ का निजाम से गठजोड़ हो जाए, फिर नए पेशवा की पगड़ी उनके सर और महाराज जी सिंधिया की पगड़ी तुम्हारे जैसे कपूत के सर। अब क्या, तलवार। जानको जी सिंधिया महाराज की जय। बोलो सेनापति जानको जी सिंधिया की जय। नहीं हमारी जय नहीं, कहिए जय खांडोबा, जय खांडोबा।
जय भवानी, जय भवानी, जय श्रीमंत पेशवाजी महाराज, जय श्रीमंत पेशवाजी महाराज। आप लोग हमारे लश्कर में शामिल होने आए हैं तो शपथ खाइए, हम मराठा आन के लिए लड़ेंगे, हम मराठा आन के लिए लड़ेंगे, पानीपत का बदला लेंगे, पानीपत का बदला लेंगे। श्रीमन की जय हो। वाली हैदराबाद दक्कन नवाब सलावत जंग बहादुर के बिरादरी अजीज नवाब निजाम अली और उनके साथ श्री शिवाजी जाधव पधार रहे हैं। आने दो। आदाब। स्वागत है, पधारिए। शुक्रिया। हम शुक्रगुजार हैं कि निजाम साहब ने जंग या सुलह नहीं बल्कि दोस्ती करने का फैसला किया है। आप हमारे यहां आए, सुलह की कुछ शर्तें रखी। आपको मालूम है कि हमारे पेशवा माधव राव सुलह के खिलाफ हैं, लेकिन हम निजाम साहब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें संतोषजनक जवाब मिलेगा। आपने जो खुफिया पैगाम मुझे निजाम साहब की खिदमत में भिजवाया, उसके पेश नजर आप पर भरोसा करते हुए वाली हैदराबाद दक्कन ने जंग बंद करने की जो शर्तें रखी हैं, वो आपको शिवजी जाधव पढ़कर सुनाएंगे। हुजूर निजाम आसिफ जाह उस नाजायज सुलहनामे को कबूल नहीं करते जो मरहूम सदाशिव भाव ने हमारे रियासत पर जबरदस्ती फौजी दबाव डालकर उदगीर में हम पर थोपा। वो सुलहनामा रद्द किया जाए और इसका ऐलान खुद पेशवा दरबार की तरफ से किया जाए। हमें ये शर्त मंजूर है। हमारे जिन इलाकों और किलों पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है, हमें उन्हीं हालात में मैं साजो सामान हथियार गोला बारूद लौटा दिए जाए। ये भी कर दिया जाएगा। जंग का जो हरजाना हमसे लिया गया है वो लौटाया जाए और इस जंग का हरजाना अदा किया जाए। आगे पढ़िए। रियासत हैदराबाद की सरहद से 100 कोस तक पेशवा फौज के जो किले हैं उन्हें आसिफ जाही फौज को सौंप दिया जाए ताकि आइंदा वहां से हमले की कार्रवाई न की जा सके। कहिए क्या कहना है आप लोगों का। हम लड़कर मानना पसंद करेंगे लेकिन यह आखिरी दो शर्तें नहीं मंजूर करेंगे। श्रीमन क्षमा करें, श्रीमन पेशवा जी महाराज का निजी दूत ये गुप्त संदेश लाया है, आपको फौरन देने का आदेश था इसीलिए आना पड़ा। जाओ। रब साहब बेअदबी की माफी, हमारे पेशवाजी महाराज ने हम सबको फौरन महल में तलब किया है। हमारे सरदार सुरेंद्र आपको हिफाजत से सरहद पार आपके लश्कर में पहुंचा देंगे। तो क्या पेशवा को हमारे यहाँ आने का पता चल गया? नहीं, जो हमने सोचा भी नहीं था वो हो गया। हम आपस में कुछ राज नहीं छुपाना चाहते, हम कुछ बात करना चाहते हैं। आप लोग जाइए, दरबार में भेंट होगी।
श्रीमंत सही कहते हैं, मल्हार और होलकर अपने लश्कर के साथ पुणे आ गए हैं और महाजी सिंधिया भी आ रहे हैं। लेकिन इनके पास लश्कर कितना है? इस चिट्ठी के मुताबिक 30,000। नामुमकिन। माफी चाहूंगा, मैं उज्जैन और इंदौर होकर आया हूं। पानीपत में होलकर का लश्कर तबाह नहीं हुआ है। तलब किए जाने पर मालवा के पठानों का पिंडारे लश्कर उनके साथ चलता है और महाज जी ने नए ढंग से तरबियत देकर एक ऐसी फौज खड़ी कर ली है जिसने राजपुताना से खिराज वसूल किया है। उनके पास तोपखाना भी है। हमारे और हमारे भतीजे पेशवा माधवराव के बीच एक जंग चल रही है जिससे निजाम हैदराबाद बखूबी वाकिफ है। आज हमारा पलड़ा भारी है और हमारे साथ जो सेनापति हैं वो आपने देखे। लेकिन होलकर के बाद अगर महाजी सिंधिया भी आ गया तो हमारी ताकत कम हो जाएगी। पेशवा कभी सुलह नहीं करेंगे। हमसे सुलह करके आज बिना लड़े जो आपको मिल सकता है, किले और वो इलाके जो सदाशिव भाऊ ने लिए, फिर नहीं मिलेंगे। हमें ये सुलह मंजूर नहीं। हम दो दिन में पुणे ले सकते हैं, फिर सारा महाराष्ट्र। अब नहीं, आपने अगर और देर की तो आपको वो दोस्ती भी नहीं मिलेगी जो हम दे रहे हैं। आपने अगर समझौता कर लिया तो हम वादा करते हैं कि हम आपकी रियासत की तरफ देखेंगे तक नहीं। नहीं किया तो पेशवा माधवराव जो सुलह चाहते ही नहीं हैं, जंग जरूर करेंगे। हम तो सिर्फ 5 साल के लिए पेशवा हैं। सही कहते हैं हुजूर, मुझे सिंधिया को तोड़ने के लिए भेजा गया था, नहीं टूटे। महाजी सिंधिया को तो ये तक याद है कि हमारे पुरखे आज से 50 साल पहले आपकी खिदमत में आए। उनके सीने में गुस्सा नहीं, आग है, आग। और अगर उनका पुणे में दखल हो गया तो आपको जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। देख लीजिए, आपको आप ही का वापस मिल रहा है। अगर आपने हमारे इलाके आने की कोशिश की तो हमारे वहां बैठे सरदार पेशवा की तरफ हो जाएंगे और उत्तर से सिंधिया और होलकर के आने के बाद दखन का तो पासा ही पलट जाएगा। दरबार जाना है, मैं तैयार हो जाऊं, साथ निकलेंगे। श्रीमंत रघुनाथ राव महाजी को सूबेदार बनने नहीं देंगे और होलकर का भी पत्ता काट रहे हैं क्योंकि वो खुद पेशवा बनना चाहते हैं। इस वक्त अगर आप उनसे सुलह कर लेंगे तो वो अपनों की तरफ नहीं आपकी तरफ देखेंगे और फिर जवान नस्लों में तो सिर्फ 3 ही हैं, माधवराव, नाना फडणवीस और महाजी सिंह। इन्हें उभरने से रोक दिया गया तो मराठा ताकत को तो आप अपने आप में खत्म ही समझिए। हुजूर, नवाब साहब की तरफ से हमें पूरे अख्तियार हैं। सुलह में सौदेबाजी करें, जो हमने करके देखी सुलह कर लेते हैं। आइए। लहराया उसके सच्चे दर्शन आज कर लिए। अभी क्या पटका है निजाम को
कट लिया सुने पता ही ये सूजी कैसे क्या ऐन वक्त पर आप पहुंची पेशवाजी महाराज की चिट्ठी दरबार में बुलाया है क्या चक्कर चलाया है सुलह करनी तो आप कब फिर नहीं मिलेगा यह अवसर देखिए हमारी कूटनीति अपने आप को बहुत अधर्मन समझती हो तुम्हें क्या जरूरत थी गोपी का सरकार के पास जाने की गोपी का भाई सरकार पान क्या खिला दिया सरकार हो गई आपकी ये जो सरकार है ना आपकी इसके बिना कुछ नहीं चलेगा ये जो माधव सुले को माना है कभी नहीं मानता अगर मैंने उसकी माँ को डराया ना होता अच्छा तो तुमने डराया था औलादी तो सब कुछ होती है माँ उसको घुटने पर लेकर हिलोरे देती है उसको नजर का टीका लगाती है सेल में सितारे की टोपी सहरा पगड़ी पहनाकर उस पर छतर लगवाती है ऐसे बेटे का बलिदान कोई गांधा नहीं कर सकती जिसके 100 बेटे हो पर आंखों पर पट्टी बंधी हो क्रूर कितनी क्रूर हो जाती हो तुम बस चले तुम मेरे एक हाथ में खड़ गो और दूसरे में चोटी से पकड़ा सर लहू टपकता और पैरों में माधव फडणवीस होलकर और सिंधिया और दिल्ली से अब तक के सभी बादशाह नवाब तुम्हें डर नहीं लगता इतने भयानक सपने देखते हुए कितने विशाल हो विष्णु की तरह और मैं लक्ष्मी फिर शैया होनी चाहिए शेषनाग की और तुम्हारे सर पर पद शेषनाग का यात्रा से आ गए आप प्रसाद लीजिए क्या पता चला तुम तैयारी करो हमें चलना है कहाँ भीड़ अब वो वक्त आ गया है जमना कि जब मुझे तुम्हारे पीर मंसूर शाह बाबा से मिलना चाहिए जिन्होंने भीड़ में बैठे हुए मुझे पानीपत में जिंदा देख लिया था उन्होंने तुमसे कहा था कि तुम सुहागन रहोगी और तुमने भी उनसे कहा था ना कि मुझे लेकर जाओगी अब मैं चलूंगा लेकिन लेकिन हुआ क्या जल्दी क्यों है चंदा मुझे बहुत सी बातें जाननी है पुणे में इतना कुछ उल्टा हो गया है कि मुझे बहुत से फैसले करने होंगे मुझे बताइए तो चलो मां साहब के पास चलते हैं मां साहब आप सही कहती हैं जिस जानकुजी की अफवाह है वो जानकुजी नहीं है
क्योंकि नजीबुद्दौला ने होलकर महाराज को साफ बताया था कि निजाम खुजी को जिंदा काट दिया गया है। उधर पुणे में रघुनाथ राव ने निजाम के साथ जो सुलह की है वो भी एक साजिश है। एक दिन वे पेशवाजी पर वार करेंगे और मुझ पर भी मुकदमा चलाएंगे कि मैंने सूबेदार ना होते हुए भी चौथ क्यों वसूल की। अगर मुझे मुकदमे के लिए पुणे ले जाया गया तो मैं उनका मुकाबला करूंगा। मैं लश्कर लेकर पुणे जाऊंगा। जानकुजी की अफवाह के पीछे राघोबा है, ये भरे दरबार में इल्जाम लगाऊंगा और सबूत में निजाम वाली चिट्ठी पेश करूंगा। जरूर कीजिए, जाओ और साबित कर दो कि तुम उसी माँ के बेटे हो जिसने भरे दरबार में पेशवा से पूछा था कि रानू जी महाराज के बेटे का हक छीनने वाले तुम कौन होते हो। माँ साहब, मैं आपका बेटा हूं और आज से हर उस माँ और उसके बेटे के लिए लड़ूंगा जिसका हक छीना गया हो या छीना जाएगा। मैं तलवार तक उठाऊंगा, बस मुझे एक विश्वास चाहिए जिसे लेने के लिए मैं भीड़ मंसूर शाह बाबा के पास जाना चाहता हूं। जाओ बेटे, जरूर जाओ। तुम्हें भगवान में विश्वास मिलता हो तो उसके सब रूपों के पास जाओ। भगवान से शक्ति लेनी हो तो उसके सब रूपों से लो, एक ही से क्यों। प्रणाम पीर बाबा। बैठो बेटा। बाबा, यही है वो जिन्हें आपने बैल पर देखा था, घोड़े पर देखा था। आपने कहा था मैं सुहासनी हूं, मैं इन्हें लेकर आई हूं। तुम इन्हें नहीं लेकर आई बेटा, इनके मन में शक है, इनका शक इन्हें यहां लेकर आया है। बाबा, इनमें तो अपार श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा मुझ में नहीं। बड़ा अच्छा है, आदमी में शक होना ही चाहिए। शक, संदेह श्रद्धा की बड़ी बहन है। शक नहीं तो श्रद्धा अंधी है, अंधा लाठी से टटोलता है, तू अक्ल से टटोल। अगर आके कहे तो मान, वरना मत मान। नहीं नहीं बाबा, इनमें तो बड़ी भक्ति है, लेकिन ऐसी विपदा आन पड़ी है, इनका विश्वास डोल गया। डोलता है बेटा, विश्वास डोलता है, पर नया विश्वास तब बनता है जब पुराना विश्वास टूटता है। सांप की नई खाल तभी आती है जब अपनी पुरानी कैंचुली बदलने के लिए वो कंटीली झाड़ियों से गुजरता है। मैं एक मुसीबत से गुजरता हूं बाबा तो दूसरी आ जाती है। बेटा, ज्वार भाटा समुद्र में आता है, ताल तलैया में नहीं। पर ऐसा क्यों होता है बाबा, क्यों होता है ऐसा?
समुद्र सांस लेता है। जितना बड़ा समुद्र होता है उतनी गहरी सांस लेता है। ये बड़े कष्ट में है बाबा। हम जानते हैं बेटा, इनकी सूबेदारी छिन गई है, अभी तक वाह नहीं हुई, अभी तो इन पर मुकदमा चलेगा। आप तो सब कुछ जानते हैं बाबा, मुझे बताइए क्या मेरा भाई जान कुछ ही जिंदा है? मालूम करो, खेल है, दूसरे खेल रहे हैं, तुम भी खेलो। अगर मैं पुणे जाऊं तो? कर्म कर बेटा, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बाबा आप छोड़ दिया है मस्जिद मंदिर, आ बैठे हैं यहां पर, जोड़ लिया है उसे सीधा नाता। बाबा इन्हें पद मिलेगा? मचान, ये जो जानको जी, मतमान और रघुनाथ राव, फिक्र मत कर बेटा, मौत आएगी, आंखों में झांकेगी मगर चली जाएगी। कहा ना, तू सुहासनी ही रहेगी। बाबा इन्हें लेकर मैं फिर आऊंगी। बार बार मत आ बेटा, जो तेरा है वो तेरे पास चलकर आ गया है, और जो इसका है वो खुद इसके पास चलकर आएगा। बाबा ये मेरा भाई है राने खान। नाम मत बता बेटा, नाम मत बता, हम भूल चुके हैं। आदमी ने आदमी का नाम रखा और आदमी आदमी से अलग हो गया। आदमी ने उस बनाने वाले का नाम रखा और बनाने वाले के टुकड़े टुकड़े हो गए। टुकड़े मत कर, मत कर टुकड़े, जोड़ सबको, जोड़ सबको, सबसे जोड़, जिसका कोई नहीं है उससे जोड़। यही इबादत है, यही पूजा है, यही प्रसाद है, यही वहदत है, यही द्वैतवाद है और यही अद्वैतवाद। राने भाई सुनिए जरा। अरे भाई सरकार, आप यहाँ, क्या बात है? पता नहीं वो कहाँ चले गए, मैंने सोचा कहीं आपके। कौन? महाराज? जी हाँ। मेरे पास तो नहीं आए, आइए चलकर देखते हैं, आइए। आप यहाँ क्यों चले आए? वाई सरकार कितनी परेशान थी। यहाँ क्यों चले आए आप? तुम मुझे उज्जैन से पेड़ तक ले आई तो क्या मैं डेरे से यहाँ तक नहीं आ सकता? पर यहाँ क्या कर रहे थे? पूछो इससे, राने खान से, ये तो सब कुछ जानता है। कुछ सोच रहे होंगे, जब कुछ सोचना होता है तो ऐसी जगह चले आते हैं, ये इनकी पुरानी आदत है। मैं तो घबरा गई कि मैं जोगी सन्यासी होकर जंगलों में तो नहीं चला जाऊंगा तुम्हारे पीर साहब की बात सुनकर। पीर साहब की बातों से तसल्ली नहीं हुई जिसके लिए हम आए थे? मैं तो कल पीर साहब के पास फिर जाऊंगी, फिर पूछूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है चंदा,
जिन सवालों के जवाब मैं चाहता था वो मुझे मिल गए। कौन से सवाल? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, बस गर्दन हिलाई और कहा हम देख रहे हैं। मतलब साफ है जमुना, मैं अभी सूबेदार नहीं बन पाऊंगा, मुझ पर मुकदमा चल सकता है, मुझे चैन नहीं मिलेगा, समंदर की तरह बेचैन रहूंगा, मौत आएगी छुएगी और लौट जाएगी। पुणे वाले मेरे साथ खेल खेल रहे हैं, इसीलिए मैं पुणे नहीं जाऊंगा। कब जाऊंगा? जब पेशवा जी खुद मुझे बुलाएंगे, और वो मुझे मेरे लिए नहीं अपने लिए बुलाएंगे। ये उदास करने वाली बात नहीं है? मैं यहां उदास होने नहीं आया था रानी खान, ये जानने आया था कि मेरी किस्मत किसके हाथ में है, रघुनाथ राव के या पेशवा के। और अगर वो मेरे हाथ में है तो फिर मुझे उनकी तरफ नहीं अपनी तरफ देखना है। लेकिन आपके साथ है कौन? यही यहां आकर डूबते सूरज को देखकर यही सोच रहा था मैं कि मेरे साथ कौन है। फिर याद आ गया, पीर साहब ने बताया था कि मेरे साथ वही होंगे जिनका हक छीन लिया जाएगा, जिनके साथ इंसाफ नहीं होगा, पर जो भटक रहे होंगे, लटक रहे होंगे मेरी तरह वक्त की सूली पर। ऐसे क्या देख रही हो जमुना? पीर फकीर किस्मत बनाते नहीं, सिर्फ बता सकते हैं। उसके बाद ये आदमी के हाथ में होता है कि वो डूबते सूरज की तरह मुंह छुपा ले या फिर चमकते तारे की तरह आसमान में दमके। आओ जमुना, मुझे जवाब मिल गया।